जो लोग ज्यादा रोते हैं वो ज्यादा जीते हैं और ज्यादा हेल्दी होते हैं वर्सेस जो लोग कभी नहीं रोते हैं इमोशंस दबा दोगे तो अलग तरीके से बाहर आएंगे गुस्सा आ गया पेट में गड़बड़ी हार्ट रेट अचानक से तेज हो जाना वीकनेस आ गई अगर मुझे डायबिटीज या बीपी 50 पचास साल की उम्र में आने वाला हो तो वो चालीस में आ जाएगा नहीं निकालोगे नुकसान तो होगा ही

Cells और fluids एक तरीके से काम ऐसी ये वाला हो या ये वाला उसके लिए crisis मतलब really? मैंने एक पढ़ी थी, होता है जिनको, जिसमें ऐसे लोगों में, प्लेटलेट्स कम कर दे लंग टिश्यू को डैमेज करने लगे की मात्रा ज्यादा होती है टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई है ये उसे कैसे पता चलेगा की यार अब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है तो दिस इज क्विट तो और रिकनसिडर

या बिजनेस ओनर उर्डू का इनवॉइस आप सबके लिए यूजफुल है आई शो यू इसको यूज कैसे करते हैं आई लॉग इन टू माई उर्डू अकाउंट देन आई ओपन द इनवॉइस ऐप एंटर माई बिजनेस डिटेल्स एंड स्टार्ट ऑन बोर्डिंग प्रोसेस आप कस्टमाइज भी कर सकते हो अपना इनवॉइस टेम्पलेट फॉन्ड्स एंड लोगो नाउ वील मेक द इन वी कैन एड क्लाइंट प्रोडक्ट प्राइस पेमेंट टर्म्स और बाकी सारी डिटेल्स बस योर डन जिस कन्फर्म एंड प्रिव्यू इसके बाद इन वॉइस डाउनलोड करो या डायरेक्टली क्लाइंट को इन वॉइस ई मेल कर दो विथ योर प्रिफर्ड पेमेंट मेथड वू डू ऑफर्स मल्टीपल मोडस ऑफ पेमेंट्स और पेमेंट मिलते ही पेमेंट स्टेटस भी अपडेट हो जाता है चेकआउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू ट्राई ओ डूज इन वॉइसिंग ऐप वेल ये तो हो गई बिजनेस मैनेजमेंट की बात बट मेंटल हेल्थ मैनेजमेंट भी उतना ही ज़्यादा जरूरी है और आज का एपिसोड उसके बारे में है कि कैसे हम हमारी इतनी सारी जो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उसे बेटर मैनेज करना सीख पाएँ डिप्रेशन लोनलीनेस एनजाइटी स्लीपिंग इश्यूज एंड बहुत सारे और इश्यूज़ इस पूरे एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जितना आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ही ज़्यादा ये बड़ा चैनल होगा और जितना बड़ा ये चैनल होगा उतने बेहतर गेस्ट हम आपके लिए ला पाएंगे ताकि हम आपको और बेटर वैल्यू दे पाएँ आगे बढ़ने से पहले राजमानी क्लिप्स एंड राजमानी शॉर्ट्स को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी-छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में हम आपको ज्यादा ज्यादा नॉलेज दे पाएं और इस पूरे एपिसोड का ऑडियो वर्जन स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है जहाँ पे आप हमें जाके फॉलो कर सकते हैं एंजॉय द शो एक बुक थी जिसमें एंड इट्स अ गुड नोट टू स्टार्ट द पॉडकास्ट आई थिंक योर बुकमैन फर्स्ट लाइन थी कि जब हर घर में बच्चे बच्चे को पता होता है कि अगर वो गिर जाए चोट लग जाए तो उस पर क्या करना है डेटॉल से साफ करना है और एक सोफ्रोमाइसिन लगा देना है राइट अगर उसे मोच आ जाए स्प्रे ना आ जाए तो क्या करना है मूव लगा देना है रैली स्प्रे लगा देना है सही करना है अगर सर दुख रहा है तो उसे पता है कि नाइस जैसी कोई पेन किलर लेनी है उसको बुखार आ जाए तो उसे पता है कैलपोल या कॉमी फ्लेम लेनी है हर बच्चे को ये बेसिक चीज़ें पता होती है अब चौदह पंद्रह साल वाले को भी पूछ लोगे तो इंडिया में ये पता आता है फर्स्ट एड बॉक्स को यूज़ कैसे करते ठीक है लेकिन बचपन से लेके जब तक कोई बड़ा होता है जब वो पाँच साल का रहता है तब हुँ. से लेके डेथ तक हुँ. हर साल या प्रॉबली हर महीने वो कॉन्स्टेंटली फील करता है कि उसको रिजेक्ट किया गया है उसका कहीं ना कहीं लॉस हुआ है कहीं ना कहीं ब्रेकअप हुआ है कहीं ना कहीं वो गिल्टी है कुछ ना कुछ इमोशनल इमोशनली हर्ट हुआ है जो नहीं। से पता नहीं क्या करना है तो जब जो चीज बचपन से लेके एंड तक आपको ट्रबल देने वाली है और आपको हर्ट करने वाली है उसको कैसे ट्रीट करते हैं किसी को नहीं पता सो so, हर गस, घर में एक फर्स्ट एड बॉक्स है बट किसी घर में इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है नहीं। 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 तो जो चीज जो माँ बाप के साथ भी हुई है उनके दादा दादी के साथ भी हुई है बच्चों के साथ भी होगी ये चीज के ऊपर आपको पता ही नहीं है कैसे हैंडल करना है कोई मेडिसिन कोई टूल कोई स्ट्रैटेजी आपको आइडिया ही नहीं है कैसे ट्रीट करते सो so, हर घर के पास ना एक टूल्स एंड स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए जिसको एक इमोशनल फर्स्ट एड बॉक्स बना देना चाहिए ताकि लोगों को पता रहे कि ओके okay, जब लॉस फील हो रहा है तो क्या करना है रिजेक्टेड फील हो रहा है तो क्या करना लो सेल्फ स्टीम हो रहा है तो क्या करना है एनजाइटी हो रही तो क्या करना है ओवर थिंकिंग हो रही तो क्या करना है बिकॉज ये छोटी छोटी फीलिंग्स ही विल टर्न इन टू मैसिव मेजर मेंटल हेल्थ बिल्कुल हम देखो मजा आया लाइन पर दिस इज़ सो ट्रू ूटली अग्री विथ इट बट इसके साथ एक और चीज़ भी है hmm. बहुत सारे लोगों को पता है क्या करना है पर वो कर नहीं पाते जब लॉस होता है जब ब्रेकअप हो पता चला कि मेरे हस्बैंड ने मेरे ऊपर चीट किया आई hmm. नो मुझे क्या करना है क्या करना चाहिए बताओ स्टे अवे शांत हो जाओ पहले शांत हो जाओ बाद में बात करो बहुत मल्टीपल टाइम्स हो गया है छोड़ सकती हूँ बट द इमोशनल ओवरवेल्ड फीलिंग वो इतनी ज़्यादा ओवरपावरिंग होती है कि मैं मेरा लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देता है पता है बट वो पार्ट एक्टिव एक्टिवेटेड नहीं रहता है hmm. और वो पार्ट जो ओवरवेल्ड है वो एक्टिव हो जाता है लॉर्ड ऑफ पीपल आर स्ट ऑफ डॉग्स उनको पता है डरना नहीं है अच्छे से करोगे हो जाएगा बट जब कुत्ते ने एकदम डर गे, डर गए, गए, जो-जो एक्टिवेट हुआ तो लॉजिकल दिमाग काम करना बंद कर देगा इसीलिए ऐसे में ये जो emotionally आप चार्ज फील करते हो वो शांत अगर कर पाओगे तो लॉजिकली आपको पता ही है उनको पता है कि उनकी बहन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या करवाना है उनकी दोस्त के साथ ऐसा हो तो क्या करवाना है खुद करने खुद खुद करने खुद आता है तो इमोशंस ओवर पावर कर लेते इसलिए हम कर नहीं पाते नो मोस्ट ऑफ डोंट को नहीं पता बट बहुत सारे लोग जिनको पता है वो भी नहीं कर पाते उससे पहले क्वेश्चन डिबेट oh, में घुसे उससे पहले क्वेश्चन पूछेगा कि डू यू थिंक मैन एंड वुमेन दोनों लॉस ब्रेकअप्स और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से अलग अलग तरीके से डील करते हैं या आ, अलग अलग तरीके से अफेक्ट होता है ओके हाउ डू लेट्स टॉक अबाउट ब्रेकअप कि अगर कोई ब्रेकअप होता है या लॉस होता है लॉस ऑफ लाइफ और लॉस ऑफ सम रिलेशनशिप या यू लूज अ लव वन तब मैन कैसे रिएक्ट करते हैं वुमेन कैसे रिएक्ट करती है सोसाइटल कंडीशनिंग पाँच छः दोस्त हैं आपके आप लोग बैठे हैं अभी एक महीने से रोज मिल रहे हो और रोज ये दोस्त यही बात कर रहा है hmm. रोई रहा है hmm. आपको ऐसा लगेगा दिस गाय आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये क्या? ये क्या है सेम करता रहे। छोड़ना यार ये सब यू विल नॉट बी एबल टू गिव हिम दैट स्पेस परसिस्टेंटली इतने टाइम तक अभी तक किसी ने दिया भी नहीं है इसलिए वो खुद भी ट्रेंड नहीं है वो एनकरेज फील नहीं करता कि मैं बताऊं hmm. वो शायद चुप रहेगा वो शायद लो फील वो शायद मिलने से मना करेगा विमेन अपनी सोसाइटी में आ, एक्सप्रेस करने के लिए विमेन को विमेन फेलो फ्रेंड्स एनकरेज करते इवन मैन बताओ क्या हुआ दिखाओ निकालो बाहर निकालो बताओ मुझे क्या हुआ एंड फीमेल्स आर मोर रिसेप्टिव तो वो महीने तक रोज़ बोलती रहे अपनी दोस्त को तो वो उनको समझाएंगी भी तो वो एक्सप्रेशन जो है ना खुद के कंडीशनिंग की वजह से और सोसाइटी uh, की वजह से ज़्यादा होता है फ़ीमेल्स में एज कम्पेयर टू मैन अब अंदर भरा हुआ है दुख तो दोनों को है hmm. उस दुख को कैसे हैंडल करना है वो दोनों का स्टाइल अलग अलग है तो इनका एक खतरनाक बिगड़ा बट बाहर आने लगे बट फिफ्टी परसेंट बिगड़ा बिकॉज बाकी का पचास परसेंट दबा देते हैं नहीं देते. दिखाना है नहीं काम करना जरूरी है नहीं ऑफिस जाना जरूरी है यार ऐसे कैसे नहीं है ई एम भरनी है स्कूल फीस भरनी यस एंड मतलब क्या है ऐसे थोड़ी बताना हो ऐसे रोते थोड़ी है यार उसमें क्या है एंड इट इज़ मेरा रोज़ का है ये कि सर मैं दिस इज़ नॉट हुआ एम मुझे ये नहीं होना चाहिए मुझे ये फील क्यों भाई इंसान नहीं हो क्यों फील नहीं होना चाहिए नहीं सर मैंने इतने इतने बहुत बड़े बड़े बुरे बुरे, बुरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं मेरे साथ कभी मुझे इतना फील नहीं हुआ ऐसे ये मेरा पहला ब्रेकअप नहीं इसके पहले तीन ब्रेकअप हो चुके हैं फिर मेरे, मेरे. कभी इतना नहीं बुरा फील कुछ अलग है ये शायद कुछ अलग है We don't validate खुद की feelings. को ही हम नहीं 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 होना चाहिए में में चले जाते हैं। हैं लड़के होते या में होते हैं, हैं, हैं रिजेक्शन मोड पे होते हैं कि वो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं, कि दो ये मेरे साथ नहीं होता है यार मतलब मैं तो बहुत पावरफुल इससे बहुत स्ट्रांग हूँ बिकॉज एक अप करनी होती इमेज की Women, they are okay with it, कि हाँ यार अलग-अलग हाँ, होता अलग है क्या नहीं, नहीं नहीं सो प्रोबेबिलिटी ये होने की डिनाइल में रहने की या इन अपनी खुद की फीलिंग्स को इनवेलिडेट करने की आदत लड़कों में ज्यादा है एज कंपेयर टू वीमेन रियली बट अलॉन्ग अलॉट ऑफ वर्किंग क्लास वेमेन जो हाउसवाइफ नहीं है या आ, हाँ तो उनमें सिंस दे हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम सेल्व्स एंड दे वुड लाइक टू बिलीव कि नहीं ये इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मुझे यहाँ पे फील नहीं होना चाहिए एंड मुझे ज़्यादा टेंशन अपने काम की होनी चाहिए बट तो मैं वहीं पे फोकस करती हूँ या करता हूँ ओके डू यू थिंक ही ऑल्सो लॉड ऑफ टाइम्स ऑफ़ टाइम वो डिपेंडेंट इशूज़ होते हैं मे बी वो वर्किंग क्लास नहीं है और वर्क नहीं करती उसके बाद भी उनको डिपेंड depend, वो डिपेंडेंट फील करती है अपने पार्टनर पे तो उनको ऐसा लगता है कि यार मेरी पूरी लाइफ चले गई अगर ये चले गया तो तो वो भी एक टाइप के डिनाइल रिजेक्शन में रहती है कि ये नहीं हो सकता वो तीन दिन बाद वापस आ ही जाएगा आई नो दैट कि वो एक महीने मेरे साथ ब्रेकअप हो लाइक like, कैसे रह सकता है या उस वो लॉस या ग्रीफ को एक्सेप्ट ही नहीं कर पाती हैं कि दोनों नहीं ये, हो यार ये, ये मतलब दिस इज़ नॉट और भी उनको एक से डर लगता है कि यार फ्यूचर मतलब मेरे को पता है उसके साथ ही है। हाँ, तो एक अलग टाइप के डिल्यूशन में, तो में, में खत्म हो गई अगर ये चले गया तो हाँ हाँ दोनों द, द, में सर्टन फीलिंग बट लड़किया रिजेक्ट दिशन दोनों है एक्चुअली दोनों में ये पार्ट दोनों में होता है अभी हस्बैंड एंड वाइफ है मैरिड है हस्बैंड को पता चला दैट वाइफ इज चीटिंग ऑन हिम उनको भी उनको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा बट वो उस फीलिंग को डिनाई करेंगे बिकॉज मुझे आई एम अ मैन आई शुड नॉट फील इतना ज़्यादा या फिर अगर बुरा लगा तो वो टाइप मुझे कैसे कर सकते हैं मेरे कैसे कर सकते हैं या एंड थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ऑफ लीविंग द स्पाउस ज्यादा होगा अमंग मैन एज कम्पेयर टू दैट ऑफ मैन कंपेयर इन वेमेन बिकॉज सोशली एंड फाइनेंशियली ज़्यादा इंडिपेंडेंट मैन है एज कम्पेयर टू वेमेन अब वेन इट कम्स टू वेमेन डिनाइल में उनको जाना पड़ता भी इसीलिए है बिकॉज एवरीबडी अराउंड देम इंक्लूडिंग हर पेरेंट्स फ्रेंड्स अरे हो जाता है ना यार ठीक है ना कभी कभी हो जाता है ये लड़के होते हैं ऐसे चाह दो साथ में ही हो तीन मह, तीन महीने चार महीने है वापस आने ही वाला है ना दे मेक देम बिलीव ऑल्सो दिस इज वॉट दे वॉन्ट टू ह्योर टाइम पे या आ जाएगा इसको रियलाइज होगा मैंने अपना इतना इन्वेस्ट किया है टाइम एनर्जी प्यार इसको रियलाइज़ होगा और आ जाएगा बिकॉज uh, मैं हारना नहीं मैंने जहाँ पे जहाँ से खुशी चाहिए मुझे वो आदत अपना लूप वहीं से मुझे चाहिए तो वो ब्रेक करना डिफ़िकल्ट है तो वहीं से अगर मिलने की आशा है तो चार महीने में थोड़ा सह लेती हूँ एक साल में सह लेती हूँ तो वो थोड़ा विमेन में ज़्यादा होता बिकॉज अराउंड देम लड़कों को छोड़ना यार तू मर दे छोड़ दे इतना नहीं कर सकता अलाउट ऑफ पीपल ये कहने का आ, आ, उनके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये डायलॉग मारेंगे वेमेन वेन इट कम्स टू आवर माइंड तो मोस्टली हर जगह सी, टी वी सीरीज में मूवीज़ में ठीक है ना तुम देखो कितनी hmm. सारी ऐसी मूवीज़ थी आई अब बीवी नंबर वन शायद या कुछ भी जो so, पता चला कि हसबैंड चीट कर रहा है तो लड़की द वाइफ वुड स्टार्ट एक्टिंग इन अ वे कि हस्बैंड वापस आ जाए ओ, वापस जीत जीट ले जीतने वापस जीतने की कोशिश करेंगे ऑफ ऐसे मूवीज भी मैंने आई थिंक नहीं देखे या कम होंगे कि जो जीतने की वापस लाने की ये सब करने की कोशिश करेंगे दे बी डेवस्टेटेड मतलब खतरनाक हालत हो जाएगी उनकी पर ये अप्रोच उनका ये सिचुएशन से थोड़ा विमेन और मेन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड दिस गेट्स मी टू पॉइंट मैंने ना बहुत पहले एक चीज लिखी थी hmm. ऐसे मेरे नोट्स में रिलेशनशिप्स यू टेल मी डू यू थिंक क्योंकि आप पेशेंट्स को देखते हो और आप बहुत ज्यादा स्टडी करते हो इस पर डू यू थिंक इट्स ट्रू और नो आई फील सोसाइटी ट्रेन्स अस टू थिंक इन सर्टेन वे मेन एंड सोसाइटी लिटरली ट्रेन्स वुमेन एंड मेन टू थिंक इन डिफरेंट वेज So, women have more self worth issues hmm. and men have more social worth issues. Hmm. 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 And anything, whenever a loss or heartbreak or anything wrong that happens, women connected with their self worth, maybe I'm the problem, so I want to win it over. And men connected with the social worth, what will the world think? And that's why I need to behave in a certain way in front of the world. Maybe I'm the problem, I don't care. But how can this happen to me? Because. माई प्रॉब्लम्स आर सोशल प्रॉब्लम नॉट द सेल्फ there's थिंक awesome ये चीज़ आपने जो बोली ना बहुत ही awesome चीज़ नोटिस की है बचपन से ऐसे क्यों बैठी है पाँव ऐसे रख के बैठ इतनी जोर से क्यों हंस रही है आराम से चल के अंदर आ इतना फास्ट क्यों कर रही है रो ले वेन इट कम्स टू मैन अगर वो ये सब नहीं करते तो उनको बोला जाता है ऐसे क्या ढीले ढीले चल रहा है hmm. ऐसे क्या ढीले तरीके से बात कर रहा है ऐसे क्या रो रहा है थिंग्स लाइक दैट लोग क्या बोलेंगे तो लोग क्या, क्या बोलेंगे हाँ हाँ अलॉन्ग विद आर कंडीशन टू बिलीव कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मम्मी को प्रोटेक्ट करना बहन को प्रोटेक्ट करना प्रोवाइड करना वाइफ को प्रोटेक्ट करना प्रोवाइड करना तो वो कंडीशनिंग हो गया है एक फैमिली में हस्बैंड वाइफ दोनों कमाए अमेजिंग थिंग वी एनकरेज दैट अभी सोसाइटी ऐसी उस टाइप उस साइड जा रही है पर अगर हस्बैंड नहीं कमाए तो सोसाइटी विल लुक डाउन ऑन हिम बट अगर वाइफ नहीं कमाए फाइनेंशियली तो सोसाइटी विल नॉट लुक डाउन ऑन हर एज मच एज इट विल मैन नहीं कमाता yes, yes. तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और प्रेशर भी बंदे के ऊपर लड़के के ऊपर है ही तो कुछ भी हुआ है मेरी लाइफ में hmm. मेरे फादर की डेथ हो गई कोविड में पर मुझे सर कोई ऐसी दवाई दो एक हफ्ता ही हुआ है कि मैं जाके ऑफिस पे काम कर सकूं सर कुछ करो मैं आई के नॉट नहीं रह सकता सर ये सब काम ख़त्म करना है सर नया घर लिया ईएमआई चुकाना है थिंग्स लाइक दैट आई डोंट हैव द एज अ मैन आई माइट नॉट हैव द फ्रीडम टू फील व्हाट आई एम फीलिंग बिकॉज मुझे बहुत कुछ करना है यस yes. Mm. Hey you know i read a research women get more negatively affected by a breakup mm. with much more high level of emotional and physical pain mm. but women get harder like women gets affected very very hard mm. and still they recover fully mm. compared to men men mm. on the other hand rarely fully recover in their lifetime from a heartbreak mm. 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 so whenever a breakup happens a woman is more and women is more affected mm, and mm. she's feeling a higher level of pain mm, emotionally mm. physically mm. but still she's able to recover mm. versus mm -hmm. men they feel less pain they are not there and not adversely affected by the breakup or a situation or a heartbreak mm. but there's a part of them where there's a void and they're never able to fully recover दोनों का पेन कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज़ okay. वो मेज़र करने का कोई रास्ता नहीं है uh, सबका अपना दुख सबसे बड़ा ही होता है hmm. और जब जो दुख जी रहे होते हैं वही लाइफ का सबसे बड़ा दुख होता है hmm. उस टाइम nice वही लाइफ का सबसे बड़ा अब nice. अब इज सो गुड इतना दुख तो मुझे आज तक कभी नहीं हुआ बट uh -huh. क्योंकि दिमाग पुराना वाला दुख भूल जाता है इसकी दिमाग की आदत है hmm. अब अगेन इफ दैट इज द केस वॉट यू सेंग इज द केस तो भी मेरा मानना यही है कि कोई भी ट्रॉमा हील करने के लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता यू जस्ट हैव टू फील व्हाट एवर यू आर फीलिंग व्हाट एवर आर गोइंग थ्रू लेट योर माइंड फील इट वो अपने आप प्रोसेस करेगा उसको बैठने दो उसके दुख के साथ तो वो ठीक होगा hmm. लड़कों को इरिस्पेक्टिव ऑफ़ द जेंडर चलो चाहते हो किसी के पे भी पास ये फ्रीडम अगर है वो तीन महीने छः महीने बैठ जाए चुपचाप दुखी हो सके बिना कुछ डेस्परेटली किए तो बाहर आ जाएगा yeah. पर अगर फ्रीडम नहीं है अगर जाना है कल सुबह काम कर पे जाना है प्रेजेंटेशन करना है काम करना है तो यू हैव टू रिप्रेस इट नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ ऐसा कुछ नहीं अरे होते रहता है यार तो अगर फील नहीं होने दिया डिनाइल में चले गए तो वो रुक जाएगा अनकॉन्शियस माइंड में रहेगा आते रहेगा चार्ज hmm. आते रहेगा कॉन्शियस में सडनली अचानक बैठे सडनली कुछ हो गया पता नहीं क्या हुआ नेक्स्ट रिलेशनशिप में सब याद आया पता नहीं कैसे याद है नहीं आई एम ओवर होर आई एम ओवर होर पर वो ही नहीं हो पाता दैट इज़ सो ट्रू द मोर द मोर कंफर्टेबल यू आर विद योर सिचुएशन एंड इमोशंस एंड यू अलाउ योर टू फील सर्टन थिंग द फास्टर यू विल बी एबल टू गेट ओवर द ट्रामा दैट योर गोइंग थ्रू एंड थियरी है पेन पैराडॉक्स करके ओके okay. क्या है? इंसान ऐसे बना है कि जैसे ही कोई क्राइसिस सिचुएशन आती है तो उसको कुछ करना होता है अच्छा नहीं लग रहा मैं कुछ करता हूँ मेरे को अच्छा लगे यही चीज़ मैं कुछ करता हूँ जो मैं करता हूँ वही मेरा पेन एक्चुअली प्रोलॉन्ग भी करता है इफ़ आई डोंट लेट माई सेल्फ फील वॉट इट शुड फील क्योंकि बाइक ब्रेकअप हुआ है किसी की डेथ हुई है इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी सिचुएशन आप इतना आप कूल वूल जो भी हो इंसान yeah. ही हो तो वो जो फील नहीं होने से मना करोगे ना दिमाग खराब होगा होगा एंड होगा ही ट्रू यू नो इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल जब वो किसी लॉस के थ्रू गुजर रहे होते हैं या ब्रेकअप के थ्रू या हार्ट ब्रेक के थ्रू गुजर रहे होते हैं वो बंच ऑफ यही सारी स्ट्रैटीज़ करने की कोशिश करते हैं कि मैं अपने आपको डिस्ट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं और ज़्यादा दूसरे पार्टनर को डेट करना स्टार्ट कर देता हूँ मैं एस्केप कर लेता हूँ सिचुएशन से या मैं बहुत एंगर एगरी हो जाता है मैं शहर छोड़ देता हूँ मैं जॉब छोड़ देता हूँ मैं पहाड़ों में चले जाता हूँ मैं स्केपजम uh, से ट्रीट करते हैं लाइक ऑल ऑफ दिस सब टाइप की स्ट्रैटी करते हैं बट कोई स्ट्रैटी वर्क नहीं करती नन ऑफ देम वर्क बिकॉज दी ओनली स्ट्रैटी दैट वर्क इज़न यू फील द फीलिंग्स एट योर गोइंग थ्रू यस तो जब तुम अलाव करते हो खुद को किया जो है ये मेरी रियालिटी है इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेता हूँ और जो फील हो रहा है अगर मुझे मन हो रहा है कि मैं रोता हूँ पिलो पकड़ के तो रो लेना चाहिए hmm. मुझे मन हो रहा है कि स्क्रीम थेरेपी विच इज़ वन ऑफ द वेरी वेरी फेमस थेरेपीज़ इन द वर्ल्ड कि जा कर चिल्लाऊ अलग मजा दूँ रेज थेरेपी की फोड़ फाड़ दूँ सब इधर उधर एक रेज रूम में जा कर कि तुम उस मोमेंट में जो फील कर रहे होते हो स्क्रीम सौरो रेज जो कर रहे होते हैं वो फील करो एंड दैट अलाउ योर सेल्फ टू डू दैट बिकॉज जब तक वो पूरी तरीके से नहीं होता जब तक कम्पलीटली तुम्हारा माइंड एक्सेप्ट नहीं कर लेता वो सर्कल पूरा सर्कल नहीं, नहीं, नहीं बना लेता कि हो गया हाँ तब तक तुम पेन और ग्रीफ से बाहर ही निकल सकते डिस्ट्रैक्शन एस्केपिज्म डेटिंग मल्टीपल पार्टनर ये छोड़ दो मुझे और बेटर मिल जाएगा दुनिया ये डिनाइल वर्क नहीं करता आ, मैं इसके लिए एक एग्जाम्पल बहुत देता हूँ दो एग्ज़ाम्पल्स देता हूँ मुझे फ्रैक्चर हुआ है पाव में फ्रैक्चर हुआ है हड्डी टूट गई है कैसे जुड़ेगी हड्डी को अपने आप एक दूसरे के पास ला के उसको छोड़ दो उसको हिलाओ मत डिस्टर्ब मत करो जिद मत करो तू भाई ठीक हो जा मुझे नेक्स्ट वीक मैराथन में जाना है नहीं मुझे इतना पेन नहीं होना चाहिए वो दोस्त को जब हड्डी टूटी तब उसको इतना पेन नहीं हो रहा था नहीं मैं बैठ के लिख क्यों नहीं पा रहा हूँ ये सब मुझे नहीं होना चाहिए वो हीलिंग है वो अपने आप ही होगा डेढ़ महीना लगेगा तो डेढ़ महीना लगेगा डिस्टर्ब करोगे नहीं डेढ़ महीना नहीं लगना चाहिए आई एम स्ट्रांगर देन दिस तो वो डेढ़ का तीन चले जाएगा अगर जिद की नहीं नहीं आई एम ठीक मैं मैं ठीक हूं मैं कर सकता हूं तो पेन रुक जाएगा वो ठीक से हील नहीं होगा जुड़ेगी नहीं माल यूनियन या नॉन यूनियन होगा अपने जो इमोशंस होते हैं ना वो अपना बॉडी का अपने दिमाग का एक मैकेनिज्म है वो ट्रॉमा से डील करने का बॉडी में वायरस आया तो बुखार आया नहीं मुझे इतना बुखार नहीं आना चाहिए नो no, वो हीट पैदा कर रहा है तो so वो को मार सके वो वायरस से प्रोटेक्ट कर सके आपको खुद को तो पांच सात दिन आराम कर लो hmm. नहीं hmm. नहीं करोगे <coughs> कोविड सात का पंद्रह दिन लगेगे दैट इज सो ट्रू जब भी पेन होता है मैक्सिमम लोग इग्नोरेंस अवॉइडेंस और डिनाइल की तरफ भागते हैं जबकि दैट इज दुड नॉट टू एंड बचपन से यही बोलते हैं कि सकेटअप दूर रोज से एंड स्पेशली एज अ मैन इफ योर 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 अड एंड योर बॉय इन अउस तो हमें बचपन से सिखाते हैं कि आई टेल यू ट्रीटमेंट सेम फैमिली मेरी बहन को चोट लग गई तो ओ माई गॉड इसको लग गई अरे जल्दी ये ला वो करो ये, करो ये करो ये करो मेरी दादी दादू पापा मम्मी बड़ी माँ बड़े -मा, सब परेशान हो जाएंगे कि अरे हमारी बेटी को ये चोट लग गई इसको ठीक कर देते हैं मैं साइकिल से गिर गया अरे गिरेगा नहीं तो सीखेगा कैसे चल चल तो बचपन से तुम्हें तो मैं डिनाइल कराते पेन नहीं फील करना पेन फील करना लड़कों को अलाउ नहीं है हमारी सोसाइटी में मुझे नहीं पता कि दूसरे घरों में होता है कि नहीं होता है मेरे घर में तो ये था लड़के रोते नहीं हैं लड़के पेन फील नहीं करते इतनी सी चीज़ों से डर जाएगा तो बाहर जाए क्या करेगा आई डेल यू सिंपल थिंग अगर कॉकरोच आया और मेरी बहन चिल्ला रही और कॉकरोच होकर डर गई राइट right? तो मेरे दादू जाएंगे या मेरे पापा जाएंगे या मेरे बड़े पापा जाएंगे और कॉकरोच को ढूंढ के हटा देंगे अगर कॉकरोच आया और मैं डर गया मेरा भाई डर गया क्या लड़के हो तुम कॉकरोच से डर गए तो बचपन से तुम्हें फियर और पेन को एक्सप्रेस करना अलाउड नहीं होता है अगर तुम लड़के हो तो और यही एक्सप्रेशन हम दबाने लग जाते हैं ये फीलिंग ऑफ डर दबाने लग जाते हैं पेन दबाने लग जाते हैं तभी हम फिज़िकली हर्ट होते हैं कुछ नहीं बोलते हैं इमोशनली हर्ट होते हैं कुछ नहीं बोलते हमें रोना है लेकिन हम रोते हैं नहीं हैं हमें किसी चीज़ से डर लग रहा होता है कि ये कुछ हो जाएगा हमारे साथ हम कुछ नहीं बोलते लड़के हमेशा चुप रहते हैं क्योंकि उन्हें सिखाया जाता है बचपन से कि तुम लड़के ही नहीं हो हाँ, अगर, अगर तुमने पेन दिखा दिया दिखा तो, दिया की। तो तुम्हें पेन नहीं दिखाना है सो लॉर्ड ऑफ मैन दे गो थ्रू सो मेनी सो एवरी डे सो मेनी प्रॉब्लम बट दे फैमिली दोस्त भी स्कूल में टीचर्स भी सबको सब, yeah, कोई, every body, every body, सब को सबको uh, मैं खुद की ही बात कर लेता हूँ कि इनफैक्ट डराते हैं लोग डराते क्या डिसरिगार्ड करते हैं कि this लड़की है क्या इट्स हाँ, इंसल्ट हाँ, हाँ, कि हाँ, 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 अरे तू लड़का है तो क्या इतने से मैं बोल रहा है लड़की है क्या बट और तुम्हें बचपन दिखाते कि बट देन स्ट्रॉन्ग रहना है हाँ बट देन ये लोग ये भी नहीं समझते कि दोनों इंसान ही हैं, दोनों का दिमाग का स्ट्रक्चर सेम है दोनों को इक्वल ही फील होता है अब वो नहीं करने दोगे तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे सो मैनी मैन मेरे पास जो दिखाने आते हैं उसमें से बहुत सारे मर्द ऐसे हैं सर मेरी वाइफ आई है उनको मत बताना मुझे इतना सारा हो रहा है मैं तो हेडेक है ऐसे ही बोल के आया हूँ नहीं सर पेट में ही दर्द हो रहा है ऐसा कुछ मुझे ज़्यादा नहीं है आई सेंड द फैमिली आउट आप बैठो बताओ क्या हुआ नहीं कुछ कुछ नहीं है बैठो चाय मो चाय पियो सर पता नहीं है समझ नहीं आ रहा है देन the आता है आता है आता है एक बार दो बार तीन बार एंड देन रोते हैं एंड देन गिल्टी फील करते हैं निकाला चलो ठीक है बट देन एकदम अजीब सा बिकॉज कभी निकला नहीं है तो पहली बार निकला तो एकदम अजीब से ये क्या कर दिया मैंने कुछ गलत कर दिया क्या मैंने सर डिड आई आई एम आई रियली आई एम सॉरी कि मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो आई डिड नॉट मीन टू नहीं नहीं सर मैं नहीं मैं रोता नहीं हूँ सर मैं ऐसे नहीं मैं नहीं रोता नहीं हूँ सो so, वो मुझे ज्यादा हिट करता है कि निकालने के बाद आप एकदम अनकम्फर्टेबल हो गए कि इसका मैं क्या करूँ ये कभी हुआ नहीं है मेरे साथ hmm. कि बिकॉज अभी तक पैंतीस चालीस पैंतालीस साल हो गए कभी निकाला ही निकाला नहीं है।, है किसी को बोला ही नहीं है आपने सो यू डोंट नो हाउ टू टू डू अबाउट इट डर लग रहा है सर कुछ होगा नहीं ना मैंने आपको बोला किसका कुछ होगा बताओगे तो नहीं ना किसी को पता तो नहीं चलेगा दैट इज सो ट्रू आई टेल यू रियल लाइफ मेरे एक रिलेटिव थर्टी एट फोर्टी ईयर ओल्ड मैन वो एक साइकोलॉजिस्ट के पास गए और उधर ओपन अप हुआ एंड वो रो दिए और लाइफ में उसके आ, उस साइकोलॉजिस्ट के हाथ नहीं गए क्योंकि वो एम्बेसडे और उनको डर लग रहा है कि यार इसने मुझे रोते हुए देख लिया अब देख मैं कैसे दिखाऊँ उसको शक्ल मेरी दे फील कि अगर किसी ने मुझे रोते हुए देख लिया और मैं वल्नरेबल हो गया किसी के सामने ओपन अप हो गया तो मैं छोटा इंसान हो गया अब मेरे को शर्म आएगी मैं उसके सामने देख नहीं सकता ट्रू बिकॉज बचपन से मुझे भी आई सपोज बोला ही गया है क्या रो रहा है एंड आई एम एप्सल्यूटली नॉट कम्फर्टेबल क्राइंग मैं रोटता हूँ बट बट एवरी सिंगल टाइम जब मैं रोया हूँ मुझे इतना अच्छा लगा है उसके बाद आई डोट नो वाई आई होल्ड इट बैक सो मच आई वर्क ऑन इट मैं यार कुछ करूँ मैं थोड़ा रो दूँ मैं वॉशरूम में जाके बैठ बैठ लेता हूँ कि भाई थोड़े आंसू आ जाए क्योंकि उसके बाद यू फील एक्सट्रीमली रिलीफ Hmm. तो मैं तो एनकरेज करूंगा इन रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर की भाई रो लो यार रोने के क्या फ़ायदे होते हैं क्यों रोना चाहिए क्योंकि ये इंटरनेट पे बहुत चैटर है ये है कि क्राए इट्स ओके टू कराए रो के अपनी फीलिंग्स बाहर निकाल दो इट्स हेल्दी टू कराए इनफैक्ट जो लोग ज़्यादा रोते हैं वो ज़्यादा जीते हैं और ज़्यादा हेल्दी होते हैं वर्सेस जो लोग कभी नहीं रोते हैं तो क्यों so, रोना चाहिए बहुत सारी चीज बहुत सारे रीजन है बट सबसे पहला तो रीजन ये है कि नॉर्मल ह्यूमन थिंग टू डू जैसे हंसना जैसे भूख लगना नॉर्मल इमोशन है फीलिंग है तो इस नॉर्मल चीज को मेन को मर्दों को दबाने की जरूरत नहीं है बिकॉज यू डोंट नॉट लाफ यू डोंट नॉट ईट अब तो वीमेन भी दबाती हाँ, 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 शाहरुख़ खान का dialogue है कि अगर तुम खुल के रोगी नहीं तो खुल के हंसोगी हाँ बिकॉज रेंज ऑफ इमोशंस हैं आपको एक ही स्पेक्ट्रम का एक ही साइड चाहिए दूसरे साइड को आप डिनाई कर रहे हो आने से सोसाइटी ने बोल दिया है कि दुखी होना या रोना गलत चीज़ है बट इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन इमोशन तो रोना ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल है सेकेंड जब इमोशनली चार्ज आप होते हो ना तब अंदर का सिस्टम हाइपर एक्टिव होता है ब्लड प्रेशर थोड़ा हायर साइड हार्ट रेट थोड़ा हायर साइड पेट में थोड़ा एसिड फॉर्मेशन ज़्यादा थॉट्स की स्पीड बहुत ज़्यादा उस स्पीड में उस तरीके से बॉडी को फंक्शन करवाना उसके खुद के लिए हार्मफुल है अगर मैं यही चीज़ कर रहा हूँ तो अगर मुझे डायबिटीज़ या बीपी पी पचास साल की उम्र में आने वाला हो तो चालीस में आ जाएगा मुझे हार्ट का प्रॉब्लम अगर पचास पचपन साठ में आने वाला होगा मुझे पैंतीस चालीस में आ जाएगा बिकॉज मेरा फंक्शन ही उस स्पीड में चल रहा है तो निकलेगा तो शांत तो होगा शांत होगा तो अब इसमें थोड़ा नॉर्मल आएगा हाँ इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वाह मतलब जो लोग इमोशंस दबाते हैं वो अंदर ही अंदर खुद को और डैमेज करते जा रहे हैं और वो बीमारियाँ उनको जो साठ सत्तर में होने वाली है वो चालीस पचास में हो सकती है और इट इज़ एक्सट्रीमली स्ट्यूपिड टू बिलीव कि हम इमोशंस दबा सकते हैं या हम तय कर सकते हैं कि मुझे क्या फील करना चाहिए कितना फील करना चाहिए वी कैन नॉट डू दैट इमोशंस दबा दोगे तो अलग तरीके से बाहर आएंगे गुस्सा आ गया छोटी बात पे अरे बना तो किया नहीं पीनी यार चाय क्यों बार बार पूछ रहे हो पेट में गड़बड़ी हार्ट रेट अचानक से तेज हो जाना आ, बहुत सारे अलग वीकनेस सा आ गई है करोगे नहीं निकालोगे नुकसान तो होगा ही होगा ही होगा इट इज़ नॉट जो निकलना है बॉडी के बाहर वो निकालना ही पड़ता है इरिस्पेक्टिव ऑफ़ एनीथिंग इंक्लूडिंग इमोशंस इंक्लूडिंग यूरिन इंक्लूडिंग एवरीथिंग बट एंड जो अंदर डालना है खाना खुशी दुख वो भी डालना ज़रूरी है इंसान को खुद को भगवान खुदा मत समझो आप खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते खुद के दिमाग को खुद के ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को कंट्रोल नहीं कर सकते यू कैन नॉट कंट्रोल योर हार्ट रेट यू के नॉट कंट्रोल यूर ब्रीदिंग पैटर्न नहीं मुझे तो हफ, आ, एक एक घंटे सॉरी एक मिनट में 80 से ज़्यादा हार्ट बीट नहीं चाहिए यू के नॉट से दैट यू के नॉट से कि मुझे तीन घंटे में एक बार यूरिन आउटपुट होना ही चाहिए नहीं वो अपना सिस्टम चल रहा है इफ़ यू आर थिंकिंग और यू कैन नॉट थिंक कि मुझे ये थाट नहीं आने चाहिए मुझे ब्रेकअप या ये लॉस का इतना दुख नहीं होना चाहिए हाँ दैट्स एप्सल्यूटली स्टूपेड वो नर्वस सिस्टम है बट वो अपने तो मैं अगर और लाइफ life में लाइफस्टाइल में चेंजेस करूंगा और बेटर तरीके से कंट्रोल करने की कोशिश करूंगा ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करूंगा तो मे बी सत्तर आ जाए सिक्स so, हाँ, so, आ जाए की फोर्टी एट हो जाए बेटर हाँ, लाइफ so, मतलब क्या कि मैंने जो कहा वही दैट यू लेट योर सेल्फ योर माइंड फील वॉट एवर इट इज फीलिंग अभी उस टाइम पे मैं बेटर होना चाहता हूँ इसलिए मैं रोऊंगा नहीं hmm. तो 80 का 90 होगा ही वो अपनी ज़रूरत हार्ट रेट कोई अच्छा या बुरा नहीं होता है really? उसको जो चाहिए उस टाइम पे उस सिचुएशन के हिसाब से जो चाहिए होता है वो हार्ट रेट रहता है अभी मेरे पीछे कोई तलवार लेके मारने दौड़ रहा है तो 120 पे बीट करेगा क्योंकि उसको ब्लड पहुंचाना है हर जगह hmm. मसल्स में तो ज्यादा स्पीड में ब्लड पहुंचाना है ज्यादा तो वो स्पीड बढ़ेगी अब कॉन्स्टेंटली मेरा दिमाग फाइट और फ्लाइट मेरा बॉडी फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में रहेगा फिजिकल इश्यूज़ या मेंटल इशूज तो दिमाग बॉडी को भी लगेगा कि यार कॉन्स्टेंट क्राइसिस चल रहे है, तो 80 का 100 पे नॉर्मल चला जाएगा hmm. तो अगर वो कम करना है तो वो शांत होने के लिए फील करवाना जरूरी है यू नो आई अब, अब अपन इस पर बात करेंगे बट उससे पहले एक स्टैट में बताता हूँ मैंने पढ़ा था क्योंकि हम लोग लड़कों की बात करे थे मैन की बात करे थे राइट सो मैं वर्ल्ड लोनलीनेस स्टेटिस्टिक्स पढ़ने में मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है बिकॉज आई जेन्यूनली वॉन्ट पीपल टू बी हैप्पी इन द रिलेशनशिप्स विद विद्वस राइट तो उसमें था कि मैन are getting lonelier faster than ever. So in 1990, 55% of men said they have more than 6 friends. In 2020, only 21% men said they have more than 6 friends. So it has dropped more than half. Men don't even have 6 friends and forget this. The number of men who said I don't even have one friend. I've zero friends or zero close person that I can go to. is has increased from 0 to 15%. now. So 15% of men in the world feel there is absolutely nobody in their life who's close to them and they feel lonely and it's increasing year on year. So imagine it's, like it's and it it was to me it was mind boggling that 15% log ऐसे हैं जो बोलते हैं हमारे आसपास कोई भी नहीं है इट्स नॉट माई मॉम इट्स नॉट माई डैड इट्स नॉट माई फ्रेंड इट्स नॉट माई ब्रदर सिस्टर माई पार्टनर आई कैन नॉट बी विथ एनी वन आई कैन नॉट शेयर एनी थिंग विथ सम वन वेन आम इन द टाइम ऑफ क्राइसिस एंड सेम ये फैमिलीज पे एक सर्वे किया था कि दिस इज द एवरेज पर्सन इन अवर पेरेंट्स जनरेशन वेन देवर आस्ट How many people can you go to at the time of crisis? Mm, mm. They said minimum of three or more people. Mm, mm. They could point out that these 3-4 people we can go to when there is an absolute crisis hoga to mm. share our problems. Mm. Today in Gen Z, if you ask the same question, how many people can you go to at the time of crisis? They say zero. Mm, mm. So average people to seek help for in our parents' generation were three. And average number of people in today's generation is zero. इसको मैं एक तरीके से ऐसे भी देखूंगा दैट द फर्स्ट थिंग दैट यू सेड कि 15 परसेंट ऑफ पीपल फील दैट दे हैव दो पॉसिबिलिटी सो इधर देर इज नो बाडी और देर आर पीपल बट दे आर नॉट एबल टू फील इट कि कोई है अ साइन ऑफ डिप्रेशन वही लोग हैं आसपास बट अब मुझे वो फीलिंग नहीं आ रही है आई एम जस्ट नॉट एबल टू फील दैट थिंग दैट आई यूज टू टिंग एट दिस चाय की दुकान विद दिसा आ रहा है सो अभी वो है ही नहीं वो उसका होना ना होना मुझे फर्क नहीं पड़ता है सो मेंटल हेल्थ इश्यूजिंग साइन ऑफ डिप्रेशन यू आर नॉट एबल टू फील थिंग्स यू जस्ट नॉट एबल टू फील एनी थिंग ये हो गया सेकेंड इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन इंस्टाग्राम सोशल मीडिया मुझे अभी के अभी वो छोटे से वीडियो में मजा दे देगा आई एम चूजिंग बिकॉज दिमाग बना भी वैसे है। भाई पंद्रह मिनट में मेरे को वो मिल रहा है तो मैं क्यों भाई पंद्रह घंटे वाला चूज करूँ छोड़ो ना यार पचास साल से ही टेक्नोलॉजी आई है आई गेस सोशल मीडिया तो मच लेसर दिन दैट ट्रांसपोर्ट उसके पहले तो बहुत स्लो था एंड बाहर जाना या फैमिली में रहना ये ज़्यादा था वी मैन वी ह्यूमन बींग्स वी आर अडेप्ट उस तरीके से पिछले कुछ थाउजेंड्स यर्स से कि झुंड में रहो लोगों के साथ रहो एंड काम करो मेहनत करो फिजिकल एक्टिविटी करो तो खाना पानी मिलेगा सडनली पचास साल से वो चेंज हो रहा है वो हो गया अब उतनी स्पीड में दिमाग इवोल्व नहीं होगा जो एवोल्यूशन जो अडेप्टन कुछ थाउजेंड ई ईयर्स में हुआ दिमाग का बॉडी का वो सडनली अब पचास साल में बोले अभी बाहर जाना बंद अभी लोगों को मिलना बंद अभी मेहनत करना बंद मज़दूरी करना बंद तो वो इतना जल्दी दिमाग इवॉल्व नहीं होगा तो कुछ तो रिएक्ट करेगा वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ बढ़ेंगे लोनलीनेस फील होगी ही एंड क्यों ना हो एक्चुअली में यू आर नॉट मीटिंग एनी वन यू आर नॉट गोइंग देर यू आर नॉट मीटिंग दोज फ्रेंड्स प्लस ट्रांसपोर्ट ज़्यादा होने की वजह से फ्रेंड्स का टर्न ज़्यादा हो गया hmm. जो बचपन में साथ में थे वो अभी तो बैंगलोर है अभी तो वो यूएस चले गए अरे वो तो अभी एक तो दोस्त जॉब कर रहा है एक वो बिजनेस कर रहा है वो अलग अलग जगह पे है सबकी टाइमिंग्स अलग अलग है फिजिकल मिलना नहीं होता है तो नहीं ही है दिमाग को जहाँ एक बार खुशी मिल गई ब्रेकअप में से निकलने में टाइम भी लगने का रीजन यही है कि रोज़ सुबह मुझे यहाँ से इसके एग्जिस्टेंस से मुझे शांति मिलती है अच्छा लगता है इसके गुड मॉर्निंग टेक्स्ट से hmm. तो इट इज़ माई माइंड इज यूज टू फीलिंग गुड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेस ओनली तो यहाँ से चेंज करना दैट इज सो ट्रू दैट इज सो ट्रू अगर या yeah, लाइक like मैं जिससे भी बात कर रहा हूँ भले वो मेरा कोफाउंडर हो मेरा इन्वेस्टर हो ये तो बहुत ही दूर क्योंकि रिलेशन मेरी गर्लफ्रेंड हो या मेरी नॉर्मल uh, कोई मेरा फ्रेंड हो या मेरा जिम मेट हो या मेरा ट्रेनर हो अगर मुझे उस टाइम पे मैं लॉन्ग करता हूँ उनसे कनेक्शन या मेरी मॉम हो और मेरे को आदत लग गई कि वो मुझे टेक्स्ट करते हैं मॉर्निंग में या इवनिंग में और उनसे टैक्स नहीं आता है अगर तो माय होल डे गेट्स की आज ऐसा गलत क्या हो गया लाइक like, सुबह उठते से भले मेरे पास पाँच चीज़ें करने के लिए दिन में बट मैं सोचता हूँ कि गलत क्या होगा कि यार मतलब इट कैन बी एज सिंपल एज मेरा को फाउंडर जिससे कोई मेरे को प्यार नहीं है बस मेरा दोस्त है काम करते हैं हम साथ में राइट हम दोनों तो एक बिजनेस बना रहे थे उसका मैसेज कोई ऐसा थोड़ी गुड मॉर्निंग गुड नाइट करेगा बट स्टिल अगर उसका मैसेज नहीं आता जब तक वो एक भेजेगा नहीं कि भाई आज ये फट गई आज ये लग गया मेरा डे बेकार हो जाता है लाइक माई डोपो मीन कम्स फ्रॉम दैट दैट इज सो ट्रू एक्चुअली आपने मेरे को मेरे थाट्स में बता दिया इट्स क्रेजी को कमिंग बैक टू अवर टॉपिक अडिक्शन पर बात करेंगे डिप्रेशन बात करेंगे उससे पहले एक लूप क्लोज करते हैं hmm. आपने बात करी थी कि फिजिकल जब जब पेन होता है जब भी हमें इमोशनल पेन होता है तब ऐसे हड्डी टूटने जैसा होता है यू थिंक हार्ट ब्रेक इमोशनल पेन जितना फील करता है हुँ. उतना ही वो फिजिकल पेन भी होता है उससे यू थिंक कि इमोशनल पेन एंड फिजिकल पेन में कोई है फिजिकल है एज फिजिकल हड्डी टूटने वाला फिजिकल पेन मतलब कि मेरा हाथ जल गया मेरे सर पे चोट लग गई मुझे खून आ गया डू यू थिंक कि जितना हर्ट एक फिजिकल पेन करता है हुँ. उतना ही इमोशनल पेन भी हर्ट करता है मैं तो मानता हूँ और मेकेनिज्म भी सेम है ओके okay. अंदर Explain. का uh, मेरी बॉडी में एक फॉरेन बॉडी आया या कोई इंजरी हुआ या कोई क्राइसिस आए इमोशनल क्राइसिस तो एक डिफेंस मेकेनिज्म नॉट द इमोशनल डिफेंस मेकेनिज्म आई एम टॉकिंग अबाउट बॉडी के सेल्स बॉडी का इम्यून सिस्टम बॉडी का ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उस तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा थोड़ा इजी लैंग्वेज हाँ, so, में समझा सो मेरी हड्डी टूटी है हाँ, जब फिजिकल पेन होता होता है है क्या इमोशनल पेन होता है क्या पेन हुआ पेन हुआ तो मुझे थोड़ा बुखार जैसा भी लगेगा मुझे मेरा हार्ट पेन जब है तो थोड़ा फीवरिश फील होगा वीकनेस आएगी थोड़ा सा हार्ट हार्ट रेट भी बढ़ेगा रेस्टिंग हार्ट रेट हायर होगा थोड़ा सा डाइजेशन इश्यू भी होगा थोड़ा सा अननोटिसेबल होगा बट होगा सिमिलरली नींद थोड़ी ख़राब होगी बुखार मुझे कल रात को बुखार था मैं ठीक से नहीं सो पाया सेम मकैनिज्म सेम रिएक्शंस ये मेकेनिज्म है डिफेंस मेकेनिज्म बॉडी का इम्यूनिटी का इमोशनल hmm. पेन आया same थोड़ा सा वीकनेस आएगा पड़े रहने का मन होगा आ, फीवरिश फील आएगा गरम गरम थोड़ा लग रहा है यार खाने पीने की इच्छा कम होगी स्लीप डिस्टर्बेंस होगा अंदर के जो सेल्स और फ्लूइड्स और जो भी न्यूरॉन सब कुछ है वो एक तरीके से काम करते हैं ये वाला हो या ये वाला हो वो बॉडी का ही पार्ट है हम उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये इमोशनल पेन है यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए ये फिजिकल पेन है यहाँ पे ये होना चाहिए बॉडी ये नहीं समझता उसके लिए क्राइसिस मतलब क्राइसिस उसको चाटा मारो उसको इंसल्ट करो उसके लिए वो सेम चीज़ है रियली इट गोज इन टू मैं डिप्रेशन डिप्रेशा मारना फिजिकली किसी को वो भी किसी के लिए उतना ही पेनफुल हो सकता है जितना किसी को गाली देना हो सकता बिल्कुल. I mean, I mean, हा, हा, हा. है बिल्कुल आई मीन इट इज वेरी सब्जेक्टिव मतलब अंदर सेम है इम्यूनिटी अलग तरीके में जोन में चली जाती See, है टेलिंग मी कि अगर हार्ट ब्रेक होता है तो वो जब सेंस ऑफ हार्ट ब्रेक लोगों को बुखार दे सकता है लोगों को बीमार कर देता है अंदर से वीक बना देता है उनकी बॉडी फंक्शन करना कम करती है ये सब लगता है आई भूख a... लगना बंद हो जाती है हाँ हाँ नींद नहीं आती है काम फोकस नहीं हो पा रहा है क्योंकि दर्द पे ही फोकस है हड्डी टूटने के दर्द पे ही फोकस है या दिल टूटने पे दिमाग खराब होने के, फो, के के दुख पे ही फोकस है एक पेनफुल uh, बट मैंने एक रिसर्च पढ़ी थी ट्रामा होता है जिनको ट्रामा एंड एक्सक्रूशिएटिंग ट्रामा जिसमें द पर्सन स्टार्ट्स हेटिंग कि मेरी गलती थी वो मेरा मुझे पकड़ के मेरा मुझे मार के मेरा जो कैमरा ले गया ना hmm. मुझे वो मेरी गलती थी आई वॉज नॉट गुड इनफ आई वॉज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ सो आई डोंट लाइक माई सेल्फ इनफ आई एम बैड आई एम बैड तो आई एम एक्टिंग अगेंस्ट माई सेल्फ ऐसे लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज ऑटो इम्यून डिजीज मतलब कि जिसमें बॉडी का इम्यूनिटी बॉडी के ही अगेंस्ट में काम करने लगे प्लेटलेट्स कम कर दे लंग टिश्यू को डैमेज करने लगे की मात्रा ज़्यादा होती है सो so, अपने okay, कैसे टाइप के लोग एक्सप्लेन लगे सो अगर किसी को ट्रामा सो अ वेरी बैड एग्जाम्पल वेरी पेनफुल एग्जाम्पल अभी do. किसी का चाइल्ड अब्यूज हुआ है फिजिकल सेक्शुअल अब्यूज हुआ है चिल्ड्रेन फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन आफ्टर दे ग्रो अप दे ऑल्सो कीप बिलीविंग कि मैंने कुछ गलत किया होगा यार मैंने कुछ गलत हिंट्स दिए होंगे सो दे वुड कीप ब्लेमिंग देम सेल्फ मैंने उस टाइम पे शायद छोटे कपड़े पहने होंगे कुछ भी कुछ भी कुछ भी सो so, खुद के ऊपर ब्लेम आते रहा या फिर कहीं पे मैं जा रहा था और मेरे मेरे बहुत सारे पैसे किसी ने लूट लिए एक ही इंसान आया छुरी दिखाई मुझे लूट लिया आई एम नॉट स्ट्रांग इनफ आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ मैं बच्चा था बड़ा था जो भी सो so, ये आई स्टार्टेड ब्लेमिंग माई सेल्फ आई स्टार्टेड हेटिंग डिसलाइकिंग इंसल्टिंग अ पार्ट ऑफ मी ऐसे लोगों में ऑटो इम्यून डिजीज होने के चांसेस प्रोपोर्शन ज़्यादा है अलग अलग ऑटोम डिजीज होते हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल होते हैं ब्लड के होते हैं लंग्स के होते हैं स्किन के होते हैं ज़्यादा है स्किन इरापशनस देर आर कंडीशन लाइक सोरेसिस सो मैनी कंडीशन्स वो स्ट्रेस में ट्रामा में सडनली बढ़ जाती है एंड बी पी सडनली यू मस्ट हैव कम अक्रॉस सो मैनी पीपल अब जब डॉक्टर के कोई टेंशन है क्या hmm. दवा लेने पर भी बी पी क्यों बढ़ाया हुआ है शुगर क्यों बढ़ाया कुछ टेंशन है ना

इट्स डायरेक्टली रिलेटेड टू माई प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ दैट इज मैंने कभी नहीं सोचा था अब जब आप बता रहे हो तो मैं सोच रहा हूँ नाम मेकिंग अप इसीलिए खुद को माफ करना भी बहुत जरूरी है बिकॉज यू आर आई फील कि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अकाउंटेबल हूँ यार हर चीज के लिए मेरी गलती है हाँ है वो तो क्या इंसान है गलती तो करेंगे ही विच पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस हैज मेड अस बिलीव

uh, I've always born and brought up with like a lot of women around me, mm -hmm. mom, mm -hmm. sisters, mm -hmm. buddy ma, like everyone. So I've I've seen both the side. Mm -hmm. So I've I've seen the side of feel feel the feelings mm -hmm. and I've seen the side of objectivity go in the world. Mm -hmm. So मैं सकता है better. Mm -hmm. but still, तो मैं खुद को blame करता हूँ हर चीज़ के, मैं दुनिया को blame नहीं करता। अगर कुछ यहाँ पे भी fuck up हो गया और मुझे पता है clearly कि मान लो आपने fuck up किया, तो भी मैं बोलूँगा यार मेरी गलती है मैं शायद वेल well प्रिपेयर्ड नहीं था मैंने नहीं। उनको पहले से बताया नहीं कि ऐसा हो सकता है दैट इज ओके और मैं वो भी बोलता हूँ ठीक गलती हो गई आगे बढ़ते जाओ राइट right? पर इसमें ना बहुत बार जब मैं रिफ्लेक्ट करता हूँ अपनी लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि यार अब वो चेंज नहीं हो सकती तो मैं सोचने लग जाता हूँ तो वहाँ पे यार वो मेरी गलती थी शायद मैं उस टाइम पे ऐसा होता तो मैं आज मे बी बेटर होता या सामने वाला इंसान बेटर होता या ये बेटर होता या मेरी रिलेशनशिप इसके साथ बेटर होती और मैं ख़ुद को ब्लेम करता हूँ जो हो गया जिसको अब मैं चेंज नहीं कर सकता ना उधर मैं ब्लेम ज़्यादा करता हूँ जिसको मैं चेंज कर सकता हूँ दैट इज़ ओके हाँ गलती हो गई हो गई अगली बार अगले बेटर करेंगे सो so, बट जो नहीं चेंज हो सकता उसको मैं कैसे अगली बार बनी यहाँ पे इसीलिए ख़ुद को माफ़ करना ज़रूरी है एंड माफ़ करना इन अ वे कि भाई हाँ मेरे से गलती हुई आई सी टू इट कि अब ना हो या फिर वापस भी हो सकती But है कैसे कर सकते हैं माफ खुद को uh, कैसे होता है लाइक गिव गिव मी मी एन बिलीव दैट यू आर दैटन बींग यू कैन नॉट नॉट मेक मिस्टेक्स इट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल एंड खुद को इतना ऊपर इंक्लूडिंग मी नहीं समझना चाहिए कि मुझसे तो ये नहीं ही होना चाहिए मुझसे तो कुछ गलत नहीं ही होना चाहिए ये ह्यूमन एग्जिस्टेंस का बेस है गलती करना गलती का रिग्रेट का इंटेंसिटी होता है कुछ लेवल के बाद वो खुद को हार्मफुल होता है नुकसान करने लगता है कुछ लेवल तक खुद को बेटर बनाता है अगर लगे कि मैं फिक्सेटेड पास्ट में इतना ज़्यादा हूँ कि मैं प्रेजेंट में नहीं जी पा रहा हूँ तो यू हैव टू वर्क ऑन इट यू शुड वर्क ऑन इट कि भाई ख़त्म करो चैप्टर आई एम एप्सल्यूटली टेरिबली सिंसियरली सॉरी कि मुझसे ये गलती हुई एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट कि अब ना हो एंड जो नुकसान वो गलती से हुआ वो मैं होल समली एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि भाई हाँ ये मेरी वजह से इट्स ओके इट्स ओके पर एक बता दो ना ब्लेम का एक रेपोकर्शन होता है गिल्ट ठीक है तुम गिल्टी हो बहुत लोग गिल्टी होते हैं दूसरों की कंडीशन के लिए तो बहुत बार ऐसा होता है कि आप खुद को माफ़ नहीं कर पाते हो एंड खुद कोर्स करेक्ट नहीं कर पाते हो राइट एक्शन नहीं ले पाते क्योंकि आपको लगता है कि आपके इस एक्शन से किसी और को अफेक्ट हो जाएगा एंड hmm. उस गिल्ट में आप कभी भी वो एक्शन नहीं ले पाते लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल अफ सीन अ कपल ठीक है फोर्टी इयर्स ओल्ड ट्वेंटी इयर्स आई थिंक फोर्टी फाइव फोर्टी फोर्टी फाइव इन समय फोर्टीज़ बीस साल से वो शादीशुदा हैं राइट right? पिछले दस साल से तो उन्हें लग रहा है कि उन लोगों ने गलती कर दी दूसरे शादी करके राइट right? पर दोनों ये सोचते हैं एक सोचता है कि अब ये मेरे पे डिपेंडेंट है ये कहाँ जाएगी क्योंकि मैं पैसे नहीं दूंगा तो इसको कौन पैसे देगा इसके साथ तो कोई भी नहीं है राइट तो अगर फाइनेंशियली ये ख़त्म हो जाएगी कैसे करेगी और मैं ये मेरे पर डिपेंडेंट है तो अगर मैंने इसको घर से निकाल दिया या हम दोनों का डिवोर्स हो गया तो ये ख़त्म हो जाएगी एंड द वो भी सेम यही सोचती है कि यार अगर मैं छोड़ दिया तो इनका ध्यान कौन रखेगा इनकी तबियत का कौन ध्यान रखेगा इनको तो कोई पूछता भी नहीं है घर आके खाना कौन खिलाएगा इनकी लाइफ मिजरेबल हो जाएगी तो ये पाँच महीने में ही मर जाएंगे ऐसे ही क्योंकि हुँ. कोई भी नहीं उनके पास तो वुमेन फील कि मैं नहीं छोड़ सकती एक्शन नहीं ले सकती क्योंकि मैं गिल्टी हो जाऊंगी उनको कुछ भी बीमारी हुई तो एंड मैन फील द सेम वे एंड ये ये बहुत ज़्यादा होता है ये तो बहुत एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया अब शादी मैंने रिलेशनशिप्स में देखा है एक दो साल होते हैं रिलेशनशिप में आए हुए गर्ल फ्रेंड बॉयफ्रेंड और गर्ल फ्रेंड को लग रहा है कि अगर मैंने छोड़ दिया तो ये लड़का कुछ ना कुछ कर देगा लड़के को लग रहा है कि यार मे बी लड़की सुसाइड कर लेगी या डिपेंडेंट उसको नहीं पता क्या करेगी लड़की को लग रहा है कि लड़का हाथ पैर काट लेगा पागल हो जाएगा स्टॉकर बन जाएगा ये बहुत कॉमन फीलिंग है राइट आई एम श्योर आपके पास बहुत लोग आते होंगे ऐसे कि जहाँ लोगों को लगता होगा कि यार हम एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में पर अगर मैं ब्रेकअप करता हूँ या मैं डिवोर्स करता हूँ तो सामने वाला इंसान अपने आप को हर्ट कर लेगा इसकी वजह से मैं नहीं कर सकता तो मैं आई एम रेडी टू बी न टॉक्सिक अनहेपी रिलेशनशिप रैशनलाइजेशन कहते हैं इसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स ओके मैं दारू इसीलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि फिर वो बेचारा बेचने वाला को कितना नुकसान होगा या दैट इज आई 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 गेट एम कमिंग मैं समझ रहा हूँ आप क्या कह रहे हो बट ये रैशनलाइजेशन समझाता हूँ कैसे मैंने जैसे कहा कि लूप हो जाता है आई एम यूज टू फीलिंग गुड फ्रॉम वेर आई एम फीलिंग गुड एंड वहाँ से वो गेट खोलने पे 30 परसेंट ट्वेंटी परसेंट गुड आ रहा है 80 परसेंट बैड आ रहा है hmm. पर वो 20 परसेंट गुड का मैं इतना यूज हूँ कि उसके लिए मैं 80 परसेंट बैड सहते रहता हूँ इस चक्कर में कि अभी ज़्यादा आएगा अभी और बढ़ेगा बढ़ेगा एंड मैं नहीं निकल पा रहा हूँ इसकी वजह से मैं प्रोजेक्ट करता हूँ कि ये तो इसकी वजह से मैं नहीं निकलना चाहता नहीं निकल पा रहा हूं। एक एक्सप्लेन दिस इन टेलिंग मी कि मैक्सिमम लोग हुँ. पार्टनर को छोड़ते इसलिए नहीं है हुँ. क्योंकि 20 परसेंट उनका जो पार्ट है जिधर से उनको खुशी मिल रही है उन्हें लगता है कि ये 20 से 25 होगी 30 होगी 40 होगी ये बेटर हो जाएगा एक हा, दिन हा। इस उम्मीद में नहीं छोड़ते लेकिन वो उसको जस्टिफाई करते हैं बोल के कि यार मैं तो इसलिए नहीं छोड़ रहा हूँ क्योंकि वो उसका क्या होगा प्रोजेक्ट तो निकल जाऊंगा इसको कहते हैं प्रोजेक्शन यू प्रोजेक्ट वॉट यू आर फीलिंग ऑन एल्स एक टॉक्सिक जो रिलेशनशिप होता है ना उसमें भी गुड एंड बैड होता है सो द गुड इज सो गुड कि उसके लिए हम बैड सहते रहते हैं कि हाँ चलो यार हाँ चलो यार थर्ड थिंग यहाँ पे चॉइस इज बिटवीन बैड एंड वर्स ये जो कन्फ्यूजन या इनएबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग टू डिसाइड ऑन समथिंग इज़ बिकॉज दो चॉइसिस जो होती है ना एक बुरी होती है और एक बहुत बुरी होती है और इसमें इंसान कन्फ्यूज़ रहता है कि मैं क्या करूँ और जो चल रहा होता है जो यूज़ टू होता है वो करने कर, करते रहता है क्योंकि नेक्स्ट स्टेप इज़ शायद उनके लिए इससे भी बुरा अबाउट द फोटी फोर्टीज़ में कपल जो है रहने पे दुख है निकलने पे भी दुख ही है रहने पे 50 परसेंट वाला कंटिन्यूस दुख है निकलने पे 100 परसेंट वाला एकदम खतरनाक वाला शॉर्ट ड्यूरेशन का दुख है बट इस दुख में से इस दुख जा, में जाना इज अ वेरी पेनफुल थिंग टू डू सो डू यू थिंक लोगों को टॉक्सिक रिलेशनशिप्स छोड़नी चाहिए अगर वो 20 परसेंट अच्छी और 80 परसेंट है या 50 परसेंट अच्छी 50 परसेंट करावे वट एवर इट इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग बिकॉज बिकॉजिक रिलेशनशिपशिप में से निकलना भी दुख ही है तो क्या करना चाहिए लोगों को क्योंकि चीज़ आपने बहुत बढ़िया बात बोली थी हर इंसान के पास जब उसे लगता है कि मैं एक दुख के थ्रू गुजर रहा हूं उसे लगता है मेरे पास सिर्फ दो ही चॉइसेस हैं तीसरी चॉइस के दिमाग में आती ही नहीं है और वो दो चॉइसेस होती हैं कि ये पचास परसेंट दुख मेरी ज़िंदगी भर रहेगा जो सेम टाइप का दुख जो मैं पिछले दस साल से सहता आया हूँ ये आगे दस साल और सहूँगा सा ये मेरा कॉन्स्टेंट दुख है पचास परसेंट अब मेरे को इसकी आदत हो गई है एक ऑप्शन ये है दूसरा ऑप्शन है कि मैं छोड़ देता हूँ मैं सब नाते तोड़ देता हूँ मैं कट कर देता हूँ लेकिन अगर ये कट करा मैंने तो मुझे पचास परसेंट दुख ना मेरा पांच सौ परसेंट दुख बन जाएगा बहुत ज्यादा होगा और ये शॉर्ट समय के लिए होगा ये अगले दस साल नहीं होगा मे बी अगले दो साल होगा राइट तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है दोनों ऑप्शन दुख के ही है हुँ, तो हुँ, क्या हुँ, मुझे पचास परसेंट दुख चाहिए फॉर नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स ऑफ माई लाइफ कि मुझे पांच सौ परसेंट दुख चाहिए फॉर नेक्स्ट टू ईय ऑफ माई लाइफ कौन सा ऑप्शन ज्यादा बेटर होता है अब जब कोई भी इंसान इस डिलेमा में होता है ना तो वो तीसरी चीज का वेट करते रहता है कि कुछ मैजिक हो जाए पिछले और दस कुछ साल, नहीं होता कुछ नहीं होता नो मैजिक नो सच मैजिक एक्सिस दस साल से वैसा है अब इसको रियलाइज होगा कि और वो चेंज हो जाएगा नहीं होगा बिकॉज वो ऐसा ही है दिस इज वॉट द पर्सन इज यहां पे यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेप्ट द रियलिटी दिस इज द रियलिटी डिनाइल में पार्शल डिनाइल में नहीं रहना है होप में नहीं रहना है कभी कुछ चेंज हो जाएगा मैं इनसे बात करती हूँ वो इनको बोलेंगे वो थोड़ा चेंज हो जाएंगे बेटर हो जाएगी reality, exact, रियालिटी एक्जैक्ट कितनी भी रियालिटी में बेटर हो जाएगी नहीं, नहीं चेंज होगी एंड उसको खुद के दिमाग को एक्सेप्ट करने देना है भले ही कितनी पेनफुल है रियालिटी एक्सेप्ट करेंगे तो रियालिटी चेंज करने का डिसीजन ले पाएंगे ट्विस्ट मेरे पास खाना नहीं है वो मैं एक्सेप्ट करूँगा तो मैं खाने के लिए जाऊँगा मैं खाना लेने के लिए मैं जाऊँगा अब यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स चूज़ द पेन दैट यू थिंक यू कैन सर्वाइव यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है जो दुख नहीं देगा चूज द पेन दैट यू थिंक यू कैन यू थिंक यू विल भी एबल टू सर्वाइव वो करोगे तो निकलोगे अगर एक्सेप्ट कर लिया एक्सेप्टेंस में के साथ में कंप्लेन नहीं आते एक्सेप्टेंस के साथ में रिग्रेट नहीं आते एक्सेप्टेंस इज़ अ होल समथिंग इन इट सेल्फ ये ऐसा कर रहा है टॉक्सी ही है पर एंड मेरे पास ऑप्शन है निकलने का जाने पर मुझे रहना है इट इज़ माई चॉइस कोई रीज़न की वजह से नहीं इसकी वजह से उस कुछ भी नहीं रियलिटी है मुझे मुझे रहना है तो फिर कंप्लेस नहीं आएगी आई एम एक्सेप्टिंग इट द होल थिंग क्योंकि मुझे रहना है hmm. निकलना है तो इसके साथ क्लस्टर ऑफ अदर इश्यूज़ लोग लीगल इश्यूज अगर मैरिड है तो फाइनेंशियल uh, जो डिपेंडेंस था वो चला गया जो आदत जो ट्वेंटी परसेंट की आदत थी वो वो पेन वो जीना है इंडिया में डिवोर्स इज अ वेरी बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है yeah. लीगली हाँ yes, इसको मनाओ hmm. इसको मनाओ इसको मनाओ फिर hmm. वकील से बात करो फिर वो कब होगा देर आर सो मेनी पीपल कि वो इतने तंग आ गए आ जाते हैं अपने पार्टनर से कि भले वो पेनफुल प्रोसेस मुझे जीनी पड़े मैं वो जी लूंगी

उसके बेसिस पे डिसीजन नहीं लेना है प्रेडिक्शन पक्का अच्छा होगा ना अच्छा होगा ना एस्ट्रोलॉजर को दिखा नेक्स्ट वाला अच्छा होगा ना मैं दूसरी <laughs> शादी करूंगी इसमें खुश रहूंगी ना तो मैं नहीं यू आर एप्सल्यूटली ऑन योर ओन ये दुख चाहिए कि नहीं चाहिए इट इज एज रॉ एज इट गेट्स ये चाहिए कि नहीं चाहिए तो डिसीजन लो चूज द पेन दैट यू थिंक यू विल बी एबल टू लिव बट इतना डिफिकल्ट होता है लोग डिसीजन नहीं ले पाते इसलिए सफर करते हैं एंड ये एक्सपेक्ट करना बंद करो कि दुख नहीं होगा इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ एक्सेप्टेड तो आसान हो जाएगा दैट इज दैट इज ट्रू मैंने कोर्ट पढ़ी थी बहुत पहले कि सफरिंग ओनली कम फ्रॉम नॉट टेकिंग डिजन नॉट बाय टेकिंग रॉन्ग डिसीजन मोस्ट ऑफ द पीपल फील दैट आई एम सफरिंग बिकॉज ऑफ टेकन अ रॉन्ग डिसीजन नो यू डिसाइडेड टू नॉट टेक डिसीजन इन अ होप दैट समथिंग विल गेट बेटर एंड देट्स वाई यू आर सफरिंग नाउ एंड यू आर सफरिंग देन हाँ मुझे अगर जॉब में टॉक्सिसिटी नहीं चाहिए ये बहुत ही ज़्यादा मेरे प्लेटिव बॉस है निकल सकते हो hmm. नहीं अभी उनको मेरा मर्थ वर्थ रियलाइज होगा मैं और ज़्यादा काम करके देखता हूँ और ये करके देखता हूँ अब रियलाइज होगा अब यू आर चूजिंग यहाँ पे द फर्स्ट थिंग मेरा बहुत ही वियर्ड सवाल होता है सर मैं निकलना चाहता हूँ तो निकल जाओ <laughs> सर कैसे निकलूंगा सर क्या बात कर रहे हो कैसे निकल <laughs> निकल के सर मैं दारू छोड़ना छोड़ दो सर मैं सिगरेट छोड़ना छोड़ दो यार इतना आसान नहीं होता जैसे बिल्कुल नहीं होता जितने लोग हैं नहीं हो पाता था इज एन एक्शन एंड इज एन इमोशन सेपरेट कर दो वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग इसकी मैं निकलूँ पर मुझे दुख ना हो वो पैकेज एक्सेप्ट कर लोगे ना तो निकल जाओगे आई एम टेकिंग दिस डिसीजन इन रिस्पेक्टिव ऑफ वॉट आई फील अगर आप ये कह रहे हो सर मैं छोड़ दू दारू पर फिर मुझे नींद में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मैं छोड़ दू पर फिर मुझे तलब नहीं लगनी चाहिए तो अभी छोड़ दू मैं या वो सामने वाली जो दुकान है ना बेचें वो बंद हो जाए तो मैं अभी छोड़ दू छोड़ना अलग चीज है बाकी सारी चीजें अलग है द डिसीजन हैज टू बी अनकंडीशनल आई लव दिस कि एक्शन और इमोशन दोनों अलग अलग चीजें हैं लर्न टू सेपरेट दम सो डिफिकल्ट टू सब्सिल्यूटली इसलिए तो मैं तो मैं तो एक्शन इमोशंस की वजह से लेता हूँ यार ऑल ऑफ अच्छा लगा इसलिए तो वाप, वापस करते हैं हम लोग एक्जैक्टली मतलब मैं गुड डिस बैड डिसीजन्स लाइफ में काम करना या नहीं काम करना या लोगों से बात करना या किसी और इंसान से बात करना रिलेशनशिप पे फोकस करना हेल्थ पे फोकस करना इन सब पे मैं इसीलिए करता हूँ क्योंकि एक सर्टन इमोशन अटैस्ट है नहीं तो लेट्स ए एक सिंपल एग्जाम्पल आई हेट गोइंग जिम, मेरे हुँ. को जिम बिल्कुल नहीं पसंद मेरे को मेरे को वर्कआउट करना बिल्कुल नहीं पसंद मुझे मतलब चिड़ मचती है कि मैं क्यों सुबह उठ के मेरी इतनी प्यारी नींद छोड़ के जाके जिम जा रहा हूँ और वर्कआउट कर रहा हूँ आई हेट इट अगर कोई मुझे ऑप्शन दे कि तुम लाइफ टाइम फ़िट रह सकते हो बिना जिम जाए मैं कभी लाइफ में नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लोग बोलते हैं कि जिम जाने के बाद बहुत अच्छी फीलिंग आती है और कुछ नहीं आता मेरे को उसके बाद भी लगता है भाई आज एक घंटा और सो जाना चाहिए था राइट स्टिल मैं रोज़ जाता हूँ जिम एंड रोज़ वर्कआउट करता हूँ अगर मैं वेकेशन पर हूँ तो भी मैं मेक श्योर करता हूँ कि यार एटलीस्ट आधा घंटा मैं एक्टिव रहूँ मूवमेंट करूँ क्योंकि मुझे पता है कि एक मेरा इमोशन अटैच्ड है उससे कि जब मैं ओवरऑल अच्छा बॉडी में फील करूँगा तब मेरा पूरा दिन बढ़िया होगा आ. तो मेरा एक इमोशन है स्ट्रांग कि यार मैं जब अगर मैं मोटा नहीं होता हूँ तो मुझे अच्छी फीलिंग आती है मैं अगर एनर्जेटिक रहता हूँ दिन भर में या मेरा माइंड फोकस रहता है तो मुझे फीलिंग अच्छी आती है True. तो उस अच्छी फीलिंग की वजह से तो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ तभी तो मैं एक एक्शन ले रहा हूँ क्योंकि मेरा एक इमोशन इतना स्ट्रांग है कि ये बेकार एक्शन है तो भी मुझे करना ज़रूरी है क्योंकि इसके इमोशन जो आएगा वो बहुत पॉजिटिव है तो मैं हर चीज़ तो की वजह से करता हूँ मेडिकल मेडिकल फील्ड में एक चीज़ है डी एन आर डो नॉट रिसट मतलब मैं जब एकदम मेडिका मेंटली फिजिकली स्टेबल हूँ तो मैं एक ऐसा फॉर्म साइन कर सकता हूँ कि अगर मैं मर रहा हूँ जब मैं मर रहा हूँ तब मुझे नलिया डाल के ये सब करके बचाने की कोशिश मत करना डू नॉट रिसडेट मुझे हुँ. मत करना आई डोंट आई टू गो अवे पीसफुली लीगल प्रोसेस है कर सकते हैं क्योंकि जब मैं उस स्टेट में रहूंगा तब आई विल नॉट बी इन दैट स्टेट ऑफ माइंड कि मैं सोच सकूं मेरे लिए क्या सही तो मैंने अपने लिए लॉजिकली जब मैं इमोशनली चार्ज नहीं हूं तब सोचा कि मेरे लिए यह सही है तो जब मैं इमोशनली चार्ज स्टेट में जो इंसान बनता हूं वो लॉजिकल इंसान के ऊपर ट्रस्ट करेगा कि इसने अगर सोचा है तो यह करना है कितनी भी तकलीफ हो डिसीजन तब थोड़ा लॉजिकल ब्रेन काम कर रहा है तो मान लो मैंने उस टाइम पे सोचा अब मुझे नहीं करना है कुछ भी हो जाए अब मुझे नहीं चाहिए मैंने इम्प्लीमेंट किया दूसरे दिन मुझे बहुत मन होगा वापस कॉल करके पूछ लूँ क्यों फोन नहीं आया तुमको पढ़ी नहीं है क्या बट आई हैव टू ट्रस्ट द पर्सन हु हैजेक दिस डिसीजन फॉर माई सेल्फ एंड ऐसे सोचना भी नहीं है कि मुझे मन नहीं होगा जब ऑक्सीजन नहीं मिल रहा होगा जब मन मर रहा हूँ तब मुझे मन हो भाई दे दे यार ऑक्सीजन दे दे यार पर उस टाइम पर उसने सोचा था कि शांति से जाना ये मोस्टली टर्मिनल इलनेस किसी को होती है उस टाइम पर ये लोग आ, करते हैं साइकेट्री में ये समथिंग कॉल एडवांस डिरेक्टिव्स एडवांस डिरेक्टिव्स में यू कैन चूज़ कि भाई मुझे कौन से टाइप की ट्रीटमेंट इन केस मुझे बाइपोलर है तो आई एम वैन आई गो इन दैट स्टेट तो मुझे कौन सी टाइप की ट्रीटमेंट नहीं दे नहीं चाहिए या कितना भी मैं हेलूसनेट कर उसकी जो फ्रेंज बिगड़ गया है तो मुझे कौन से टाइप की ट्रीटमेंट नहीं चाहिए मुझे पहले से मैं बोल देता हूँ तो वो बंद वो बंदे को का भरोसा करना है मुझे कि बोला था हाँ नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए सो वेन यू आर इन दैट इमोशनली चार्ज स्टेट यू हैव टू ट्रस्ट योर लॉजिकल सेल्फ जो दस दिन पहले था hmm. दो दिन पहले था उसने सोचा था वो उसके ऊपर भरोसा करोगे किसी और के ऊपर नहीं किसी उसके ऊपर निकल जाओगे दुख एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को डेस्परेट बना देती है मैं क्या करूँ मुझे अभी थोड़ा अच्छा लगे दिमाग को शांति चाहिए वो लॉन्ग टर्म इमोशनली चार्ज स्टेट में नहीं सोच पाता वो उस टाइम पे नहीं सोच पाता कि भाई एक महीना दुखी हो ले अगले महीने से शांति होगी नहीं नहीं मुझे अभी के अभी चाहिए कुछ तो वापस गलती कर बैठता है वापस ज़ीरो से स्टार्ट होता है भाई डरा दिया मतलब इट्स हर थोड़ी देर में ना मैं लॉस्ट हो जा रहा हूँ मैं ना थाट कि भाई ऐसा होगा मेरे साथ तो क्या होगा एक, कुछ नहीं होगा हाँ बट डर लगता है यार कभी कभी इट्स इट्स इनसेन पहले हम एक लूप खत्म करते हैं फिजिकल पेन और इमोशनल पेन वाला बह गए कहीं 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 पे क्रेजी ओके okay, तो मैं ओ, जब इस पर रिसर्च कर रहा था फॉर दिस क्वेश्चन तो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली बेचारे रोड डाउन मैंने खुद हाथ से लेके ले आया ये तो बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट हैज इट इज कि इमोशनल पेन एंड फिजिकल पेन दे आर नाओ देर आर सो मैनी एविडेंसेस दैट दे आर ऑलमोस्ट सेम एंड इन फैक्ट सम इमोशनल पेन हर्ट मोर देन द फिजिकल पेन सो दे वॉज अ स्टडी डन दैट हार्ट ब्रेक feels the same as physical pain. Mm, mm. 2011, a study was found that people had similar brain activity mm. when they viewed a photo of their former love mm. and when they burned <coughs> their arm. They burnt it up. They burned their arm. So it's mm -hmm. like the amount of pain that you feel when you burn your hand is equal to when you look at दी फोटो ऑफ योर एक्स और योर फॉर्मर लव वैन यू आर इंटेंसली इन लव सो इफ सम फोटो और सम मेमरी ट्रिगर्स दैट हार्ट ब्रेक मेमरी यू फील दैट कैंड ऑफ एक्ूट पेन फिजिकली इन योर बॉडी एंड सेम मेकैनिज्म जैसे मैंने कहा वो इम्यून सिस्टम सेल्स फ्लूड्स उस हार्ट रेट रेस्परेटरी रेट सब कुछ उस उसी तरीके से स्टार्ट होते हैं हाँ बिकॉज वैन यू एक्चुअली एक्सपीरियंस ग्रीफ एंड हार्ट ब्रेक योर ब्लड प्रेशर इंक्रीजेज हार्ट हार्ट रेट गोज़ अप एंड डाउन वेरिएबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है यू आर एक्सपोज टू हाईर रिस्क ऑफ कार्डियोवेस्कुलर डिजीजे क्रॉनिकुटलीवरी थिंग कोई भी पेन हार्ट ब्रेक इज अ वेरी सिवियर ऑफ पेन हाँ बट हाँ, कोई भी पेन क्रॉनिक बेसिस पे हो रहा है तो वो आपका बॉडी आपके बॉडी को एक कंटिन्यूअस क्राइसिस मोड में डाल देगा आपके बॉडी एंड माइंड को hmm. तो कंटिन्यूस वो जोन में रहोगे के कंटिन्यूस ज्यादा हार्ट बीट कंटिन्यूस ज्यादा ब्लड प्रेशर तो किडनी डैमेज होगा आँखें डैमेज होगी डायबिटीज बढ़ेगा हार्ट के जो वेसल्स होंगे वो डैमेज होंगे कार्डियोवास्कुलर रिस्क बढ़ जाएगा हाँ इट इज़ yeah. हमने डिफरेंशिएट कर दिया मेंटल हेल्थ या साइकोलॉजिकल uh, पेन और फिजिकल पेन को बाकी बॉडी के लिए इन सोश बॉडी के लिए तो वो एक ही चीज सेम पेन है नाउ इट एक्सप्लेन देर इज अनादर स्टडी वाज रीडिंग दैट इफ इफ मेन आर इन एप्सल्यूट एंड इंटेंस लव विद देर वाइफ एंड इफ द वाइफ डाइज देन देर आर फोर्टी वन परसेंट

Uh, uh, कभी कभी होता है ऐसा। hmm. तो उनकी मेंटल हेल्थ सडनली इम्प्रूव होने लगती है सडनली उनका काम इम्प्रूव होने लगता है सडनली उनकी उनका सिस्टम बॉडी का रेगुलराइज होने लगता है एंड uh, जैसे ही वो इंसान जिसके ऊपर हंड्रेड परसेंट डिपेंडेंस है एंड विच इज़ ओके है और वो कहीं चला गया ग्रीफ सेपरेशन डेथ की वजह से चीटिंग की वजह से डिवॉर्स की वजह से तो बॉडी रिएक्ट करेगा करेगा ही करेगा एंड uh, अब मान लेते हैं कि किसी के हार्ट में फिफ्टी परसेंट ब्लॉक है हुँ. उनकी नली फिफ्टी परसेंट खुली है एंड कुछ उसका डायमीटर है हुँ. अब कोई क्राइसिस आती है ना तब हार्ट रेट बढ़ना ये सब करना तो वो डायमीटर में कम ज्यादा होता है ओके सडन क्राइसिस आया डायमीटर कम हो गया ऑलरेडी फिफ्टी परसेंट था फिफ्टी परसेंट पे हार्ट अच्छे से फंक्शन कर सकता है बट सडन तो सडनली फ्लो hmm. बंद हो गया हार्ट अटैक आ सकता है क्राइसिस कोई भी सडनली कोई कोई ऐसे चीज़ एज ए न्यूज सुन ली विच इज़ ओवरवेलमिंग फॉर द पर्सन कुड भी एनी थिंग कुड बी एनी थिंग तो वो रिएक्ट करेगा मोस्ट ऑफ द टाइम्स सेफ रहते हैं बट अलॉट मेनी टाइम्स प्रीमॉर्बिड कुछ कंडीशन है जो पता नहीं थी बहुत बार सुना है हमने कि बैठे सुना था और हार्ट अटैक आ गया मर गया ये न्यूज़ आई आ, बहुत ज़्यादा खतरनाक न्यूज़ आई लॉस हुआ डेथ दे, हो गई ज कॉमन मेकेनिज्म है इसका प्रॉपर दिस इज दिस सो फिस अप योर बट इट्स शॉकिंग एट द सेम टाइम कि हार्ट ब्रेक माइड कॉज यू हार्ट अटैक इज वेल इफ यू आर डीपली इंटेंसली अटैच विद दैट फीलिंग येस येस बट मीन नॉट दैट कॉमन आई नॉट दैट कॉमन श्योर हाँ पर येस ये Malab, pain, कोई भी हार्ट ब्रेक मतलब पेन लाइक इट्स नॉट जस्ट लव हार्ट ब्रेक हार्ट ब्रेकिंग एट एनी पॉइंट मतलब इट कैन बी हार्ट ब्रेक बिकॉज यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ डेथ ऑफ अ समवन ऑफ समबडी यू लव डेथ ऑफ अ पेरेंट डेथ ऑफ अ चाइल्ड डेथ ऑफ अ पार्टनर लॉस और बिजनेस लॉस फाइनेंशियल लॉस सोशल लॉस इमेज लॉस ऑफ पीपल ऑफ रिस्पेक्ट इश्यूज एंड रिस्पेक्ट लॉस होता है तो ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ लाइक योर हार्ट ब्रोक वेन यू गॉट टू नो दिस न्यूज

सडनली उस अच्छा इंसान का बीपी उसके पहले तक 120 80 रहता था वो इवेंट होने के बाद 138 140 पहुंचने लगा दिमाग ने बॉडी ने वो लेवल का बीपी एक्सपीरियंस नहीं किया था अब आने लगा हेड की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई खाने के थोड़ा मूड कम हो गया uh, कम खाने में पेट भरने लगा चेंज डैमेज तो होगा इट इज़ डैमेज लेट्स टॉक अबाउट समथिंग थोड़ा सा लाइट करते हैं देन वील गो डीप इंटू अगेन द कॉन्वर्जेशन ओके वेर आई आई टॉक अबाउट डिप्रेशन चाइल्ड हुड ट्रामा अडिक्शन पैनिक अटैक्स एन्जाइटी सब के बारे में बात करूँगा, कैन आई वा गो डीप इंटू इट कि क्यों होता है कैसे होता है कैसे बाहर निकल सकते हैं सब पे ओके बट बिफोर डैट आई हाईली बिलीव मुझे ऐसा लगता है कि अगर इफ यू वॉन्ट बिकम अट्रैक्टिव एज अ पर्सन तो तुम्हें फ़िजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ का भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा लाइक इट रिफ्लेक्ट्स ऑन योर लाइक एक्सटर्नल बॉडी एज़ वेल अगर तुम मेंटली फिट होते हो तो डू यू फील डी अ गुड मेंटल हेल्थ मेक्स पर्सन फिजिकली अट्रैक्टिव एज वेल आई हैव टू फॉर अदर पीपल टू बिलीव कि मेरी चाय अच्छी है आई हैव टू बिलीव कि मेरी चाय अच्छी है मैं अच्छी चाय बनाता हूँ <laughs> अदर पीपल टू बिलीव कि आई एम अट्रैक्टिव उनको आई भाई आई एम गुड एंड कब होगा आई एम गुड जब मेरी मेंटल हेल्थ सही है hmm. मैं कितना भी अच्छा देखूँ कितने भी महंगे कपड़े पहनूँ मुझे अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो किसी को भी मुझे ऐसा नहीं लगेगा किसी को भी अच्छा लग रहा है अब अगर एक्चुअली में लोगों को अच्छा लग भी रहा है तो मैं उस चीज़ को एन्जॉय नहीं कर पाऊँगा डिप्रेशन का एक ट्रायड है एर बैक करके एक थे साइंटिस्ट डिप्रेशन का ट्रायड है नेगेटिव व्यूज अबाउट सेल्फ अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट फ्यूचर आई एम गुड फॉर नथिंग लोगों के लिए भी मैं तो कुछ भी नहीं हूँ मेरा फ्यूचर भी क्लीक है हाँ तो इफ़ आई एम नॉट फीलिंग गुड अबाउट माई सेल्फ आई एम एब्सोल्युटली नॉट अट्रैक्टिव ऑब्वियसली ऑल्सो इफ आई एम इन अ बैड मूड इफ माई मेंटल हेल्थ सही नहीं है तो लोग हमसे दूर जाएंगे एवरीबडी वुड लाइक टू गो एंड चैट अप विथ अ हैप्पी पर्सन इसीलिए भी बहुत सारे लोग मास्क करते हैं जो फील हो रहा है वो इसलिए ज़्यादा एक्ट करते हैं। नहीं नहीं अरे बढ़िया है मजे ओवर कॉम्पेंसेटरी बिहेवियर आ, नहीं दिखाना है क्योंकि शायद दूर चले जाएंगे लोग मुझसे इसलिए मैं खुश दिखाता हूँ खुश दिखता हूँ ज़्यादा लॉट ऑफ पीपल दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन कैसे लोग कैसे पता चलेगा कि इनको डिप्रेशन है या hmm. सुसाइड नहीं पता चलता बिकॉज लोग मास्क करते हैं अ वेरी पेनफुल थिंग आई रेड तीस बत्तीस साल के लड़के को डिप्रेशन था एंड हिज फादर यूज टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल रेगुलर बेसिस पे छः आठ महीने जैसा हुआ दाई गॉट बेटर hmm. बेटर होने के बाद नेक्स्ट टाइम जब वो फॉलोअप के लिए दिखाने गया तब पता चला कि फादर ने सुसाइड कर लिया बिकॉज फादर को भी डिप्रेशन था जो उन्होंने किसी को भी फील नहीं होने दिया पता ही नहीं चला क्या कैसे एंड दैट गाय वो एप्सल्यू शेल शॉकड उनको भी नहीं पता था द आई कैट रेगुलर अच्छे से बात कर रहे हैं अच्छे से सब कुछ सब कुछ सब कुछ फिर भी हुआ येस इट इज दैट कॉमन ओके कमिंग बैक टू टॉक्सिक रिलेशनशिप्स ओके टॉक्सिक रिलेशनशिप में कोई है hmm. ये उसे कैसे पता चलेगा कि यार अब ये रिलेशनशिप टॉक्सिक हो गई है तो दिस इज अ टाइम टू मे बी क्विट और रिकन्सिडर कौन सा टाइम होता है जहाँ इंसान को पता चल जाता है क्योंकि यार मे बी ये मेरे को सर्व नहीं कर रहा बिकॉज हर रिलेशनशिप में अगर थोड़ा सा भी अप एंड डाउन आया और तब छोड़ दो और उसको बोल के टॉक्सिक तो दैट्स स्टूपिडिटी एब्सोलूटली राइट तो कौन सा ऐसा पॉइंट होता है जहाँ तुम्हें ये रियलाइज़ करना है कि यार अभी टॉक्सिक हो गया है मुझे इस रिलेशनशिप के बाहर निकलना है uh, बहुत सारी चीज़ें हैं एक रिलेशनशिप के पहले मैं जैसा था द जनरल फीलिंग रिलेशनशिप में आने के बाद द जनरल फीलिंग क्या डिफरेंस है सेम है गुड वर्स है मैं क्यों हूं मतलब मैं एक दूसरे इंसान को अपनी लाइफ में लाता हूँ सो दैट प्यार शांति ग्रोथ मिले ये तीन नहीं हो रहा है hmm. तो मेरे ऑलरेडी मेरे खुद के बहुत सारे इश्यूज़ हैं भाई मैं नए इंसान को ला मैं क्यों इश्यूज़ ला रहा हूँ एक ड्यूरेशन दो तीन दिन में नहीं अगर इफ़ यू आर फीलिंग दैट कोई भी दूसरे इंसान को पार्टनरशिप में रोमांटिक पार्टनरशिप फाइनेंशियल पार्टनरशिप रूम मेट हॉस्टल में रहने गए अब ऐसे ही सब सडनली सिंक में आ जाएगा इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ह्यूमन बींग्स सडनली एक सिंक में नहीं आ जाते वो वर्क करना पड़ता है मेहनत करनी पड़ती है करने के बाद एग्जॉस्ट हो गए फिर भी नहीं सिंक में आ रहे हो hmm. निकल सकते हो मैं जहाँ था अपनी लाइफ में सोशली एंड फाइनेंशियली प्रोफेशनली वहाँ से नीचे आ रहा हूँ मेरा काम बिगड़ रहा है मेरा सोशल सिस्टम सोशल सर्कल बिगड़ रहा है एंड आई एम स्टिल नॉट फीलिंग गुड तो निकल सकता हूँ मुझे सोमैटिक सिम्टम्स मेरा पेट ख़राब होने लगा है हार्ट रेट बढ़ रहा है मेरा सर सरदर्द ज़्यादा बढ़ रहा है मैं अच्छा से ज़्यादा क्वान्टिटेटिवली देखना है पूरे दिन में अच्छे से ज़्यादा बुरा फील करने लगा हूँ दीज आर साइंस ऑफ टॉक्सिक रिलेशनशिप पहले एक्सेप्ट किया सेम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व तो करने के लिए पहले एक्सेप्ट तो अब किस टाइम पे निकलना चाहिए हाँ सो so पहले एक्सेप्ट किया कि भाई ये टॉक्सिक हो गया है तब उसके ऊपर काम किया भाई तो यार ये टॉक्सिक टॉक टू योर पार्टनर भाई ये मेरे लिए टॉक्सिक हो तो गया है यार यू थिंक वी शुड डू अबाउट समथिंग अबाउट इट काम किया वर्कआउट हो गया रह लो मेहनत की सॉल्व करने की फिर भी वर्कआउट नहीं हुआ निकलने का टाइम आ गया है क्योंकि रिलेशनशिप के चक्कर में सफ़र करना ज़रूरी नहीं है इट इज़ नॉट मैंडेटरी ऑल्सो एक दिन के दुख को सफरिंग नहीं कहते दो दिन के दुख को भी सफरिंग नहीं कहते इफ इट इज़ अफेक्टिंग यू इन मल्टीपल एरियाज ऑफ योर लाइफ Hmm. मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ ऑफिस में पेशेंट्स नहीं देख पा रहा हूँ हॉस्पिटल में मैं रा, रात को सो नहीं पा रहा हूँ मैं लोगों को जाके मिल नहीं पा रहा हूँ मेरा वजन कम हो रहा है मैं खा नहीं इट इज़ अफेक्टिंग यू टॉक्सिक हुआ है सो थ्रेशोल्ड सबका अलग अलग है बट जस्ट कूल बनने के लिए दो दिन आई एम नॉट इन फॉर दिस ये सब के लिए मुझे मैंने पार्टनरशिप नहीं की थी तो निकल जाओ ऐसे भी नहीं करना है और जस्ट टू प्रूव योर सेल्फ या प्रूव टू द सोसाइटी की या बॉलीवुड मूवी कोई देख के कि प्यार रिक्वायर्स त्याग एंड ऑल दैट तो भी दस पंद्रह साल लाइफ के बिगाड़ना जरूरी नहीं है यू हैव अ चॉइस फेयर ओके कमिंग टू चीजें जो लोग फील करते हैं आफ्टर hmm. ब्रेकअप और लॉस ओके एंड वो सिर्फ ब्रेकअप और लॉस के नहीं क्योंकि हम बातें बहुत ज्यादा रिलेशनशिप्स एंड ब्रेकअप भी कर रहे हैं इसलिए मैंने उसके साथ ही टच कर दिया इट कैन बी बॉट जनरल मैन पीपल फील आफ्टर लॉस वैन दे गो थ्रू सर्टन थिंग्स इन दर लाइफ ओके फर्स्ट टेल मी की डू यू थिंक आपको जैसा चाइल्ड हुड ट्रामा होता है हुँ. उसी के बेसिस पे आप आपकी करंट रिलेशनशिप को भी आप करंट रिलेशनशिप में भी ट्रीट करते हो हाँ, या उसी के बेसिस पे आप ब्रेकअप करते हो या अटैचमेंट इश्यूज होते हैं या दूर होते हैं या पास होते होड ट्रामा फैक्ट करंट लाइफ हाँ बिल्कुल इट ट्रामा नहीं एक्सपीरियंसिस नहीं जैसे आपने एक चीज़ बोली थी राइट चाइल्ड हुड वैसे बाय द वे गुड थिंग चाइल्ड हुड एक्सपीरियंस ट्रामा नहीं बट बहुत लोग ट्रॉमा एंड ट्रामा बोल देते हैं हाँ, so I mean, so जैसे मैंने कहा वो मेकेनिज्म एक्टिवेट हो गया बट वो ट्रामा जाने की जरूरत ही नहीं है वो कोई भी एक्सपीरियंस दे यू आर बॉर्न इन ड्रॉट अप विल डिसाइड हाउ यूर गोइंग टू बिहेव फर द रेस्ट ऑफ याइफ रेस्ट ऑफ़ द लाइफ ना चाइल्डहुड में एक्सपीरियंस लो जैसे हम बात कर रहे थे कि अगर फिजिकल हुआ किसी के साथ हुँ, हुँ, तो वो खुद को ब्लेम करने लग जाता है या लग जाती है कि मैं ही गलत हूँ मैंने कुछ गलत हुँ, किया होगा मैंने छोटे कपड़े पहनेट वट एवर एंड वो उस चीज को धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो अफेक्ट होने लग जाता है तो ये ट्रामा बन जाता है इन इट सेल्फ ये तो हम ट्रामेटिक इवेंट कहेंगे ही हाँ, so ट्रामेटिक इवेंट अगर कुछ हाँ तो पहले तो ये बताओ कि चाइल्ड हुड ट्रामा से बाहर कैसे निकले आ, कैसे निकलती प्रोसेस है हाँ, सबसे पहले क्या तो, है सी कोई भी ट्रामेटिक इवेंट है ना उसका जब रियलाइजेशन होता है बड़े हो अभी चाइल्ड हुड ट्रामा की बात करते तो पूरे इवेंट को पहले तो रॉ देखना होता है सात साल की उम्र में कुछ हुआ सत्ताईस साल की उम्र में वही इवेंट दिमाग अलग अलग तरीके से याद रखेगा जिसमें खुद के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस ऐड हो जाएंगे जैसे मैंने कहा अब्यूज़ हुआ तो मेरी गलती वो अंकल से मैं दूर मुझे दूर रहना चाहिए था ये खुद के इमोशंस ऐड हुए हैं सबसे पहले उस इवेंट को वापस से रॉ देखना है योर माइंड बिकॉज ऑफ द पेन एसोसिएटेड विद द ट्रामा ट्राइज टू फर्गेट अ लॉट ऑफ द अदर डिटेल्स तो वो वापस थेरेपी से याद करना है क्या क्या हुआ था वो रॉ इवेंट पूरा का पूरा दिखेगा उसको एज स्पेक्टेटर एज अ थर्ड पर्सन देखना है कि देखो यो और सारे इमोशंस गिल्ट जेलेसी जो भी जो भी जो भी उसको सेपरेट करना है हर इमोशन के ऊपर काम करो गिल्ट मेरी गलती नहीं थी आई वॉज जस्ट अ किड काम कैसे करते इमोशन पे गिल्ट वही सो गिल्ट सत्ताईस साल की उम्र में जब बात करेंगे सो कैसे हाउ डू यू रील इट बाई टॉकिंग अबाउट इट वो सरफेस पे आता है वो सरफेस पे जब आता है एंड वेन यू से दैट तब तक दिमाग बिलीव कर रहा होता है वी हैव नेवर अ क्वेश्चन अवर माइंड तो जब बात करते हैं तब रियलाइज होते हैं कि यार मेरी गलती नहीं थी मैं तो आई वॉज जस्ट अ किड सत्ताईस साल अरे सात साल की किड जिसने एक अंकल जो रेगुलरली घर पे आते थे उनके ऊपर ट्रस्ट किया कि वो चॉकलेट दिलाने वाले हैं एंड नथिंग एल्स डेड मैंने सो so ये पर्टिकुलर इवेंट जो किसी के ऊपर ट्रस्ट करना कि चॉकलेट देंगे वो कोई गलत चीज़ नहीं है या फिर अंकल से चॉकलेट एक्सपेक्ट करना भी गलत चीज़ नहीं है पीपल हैव पीपल पीपल ब्लेम देम सेल्फ फॉर सच थिंग्स कि ऐसे अनजान इंसान से चॉकलेट क्यों एक्सपेक्ट कर ली क्यों मांगी दिस इज अ वेरी हार्मलेस थिंग टू एक्सपेक्ट फ्रॉम एनी वन बट उसको उस इंसान ने सो so ये पूरे इवेंट में आपका फॉल्ट नहीं है ये निकालना ये सबसे पहले खुद का ब्लेम निकाल दो सेकेंड मेक पीस विद द इवेंट कि हाँ ऐसा हुआ मेरी गलती नहीं थी कोई नरेशन कोई हीरो hero, हीरोइन कुछ भी नहीं ये एक इवेंट था बुरा इवेंट था मुझे अच्छा नहीं लगा ऐसा इवेंट था एंड अब ये इवेंट खत्म होने का टाइम आ गया उसके बेसिस पे वी स्टार्ट जनरलाइजिंग थिंग्स चॉकलेट जब भी दिमाग में आती है एंगजाइटी हो जाती उसके जैसे दिखने वाले अंकल को देखा एंगजाइटी हो गई उसके जैसे किसी मेल को देखा डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी कितने लेवल की एंगजाइटी होती है बट ट्रिगर्स अलग अलग हर ट्रिगर को रिकग्नाइज करना उसको उसके साथ पॉजिटिव एसोसिएट कर देना एक मेमोरी एक्सपीरियंस थेरेपी रेगुलर उसके साथ एंड देन वो पूरा इवेंट अपने लिए न्यूट्रलाइज न्यूट्रलाइज एज इन की अब वो इमोशनली चार्जिंग नहीं है अब वो इवेंट मुझे याद आता है अगर तो इट इज एज न्यूट्रल एज एग्जाम में अच्छा रिजल्ट आया या बचपन का जो भी कोई भी इवेंट एज न्यूट्रल उसमें से इमोशनल सिग्निफिकेंस निकालते जाना बट टेल मी ये इतना आसान थोड़ी होता अरे, है। अरे वेरी डिफिकल्ट वेरी डिफिकल्ट सी एट व्हाट पॉइंट पहले तो ये क्वेश्चन बताओ कि क्या ये इंसान खुद कर सकता है कि उसे एक हेल्प चाहिए होगी किसी की चाहिए इसीलिए बिकॉज जो सरफेस पे इमोशंस आएंगे एक तो आप याद नहीं करना चाहोगे वो चीज़ को क्यों याद आया तो तकलीफ हो गई सो so, ऐसे में याद किया तो देन यू हैव टू बी अंडर गाइडेंस ऑफ समन क्योंकि वो इमोशंस अगर सरफेस पे आए तो अभी भी आप उस इमोशंस के साथ कैसे डील करोगे आपको पता नहीं वापस दारू पी लिया हुआ पी लिया हम खुद को हार्म कर दिया मैंने क्यों किया ऐसे मैंने क्यों किया ऐसे वो करने पे पेन हुआ पेन की वजह से मुझे थोड़ी शांति हुई और था वापस चले गए इमोशन वापस शांत हो गए तो ऐसे हेल्दी तरीके से उन्हीं इमोशंस को जब सरफेस पे आते हैं उसको हैंडल कर पाने के लिए गाइडेंस चाहिए एट वॉट पॉइंट लोगों को ही रियलाइज होना चाहिए कि यार मुझे हेल्प चाहिए एंड हेल्प चाहिए तो कब लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब फ्रेंड के पास जाना चाहिए डिजीज है तो डॉक्टर के पास स्टेट ऑफ माइंड है तो फ्रेंड के पास डिफरेंस समझाओ डिफरेंस मतलब बचपन में मान लो मुझे कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हुआ मुझे पता भी नहीं है कि वो मुझे अफेक्ट कर रहा है मेरी लाइफ में हाउ डू आई रियलाइज दिस देन यू डोंट आई डोंट ओके देन यू डोंट फिर तो इस टाइम पे अगर मुझे कभी लो हो रहा है तो मैं दोस्त के पास जाऊं बट बट अगर ये मुझे हाँ, स्ट्रेस हां हाँ. मैं क्योंकि अगर

लॉट ऑफ़ टाइम्स मुझे याद नहीं है कि वो इवेंट हुआ है मेरा दिमाग ऐसा है मेरी सेफ्टी के लिए वो इवेंट पूरा भूल देता भुला देता है बट उसके रिलेटेड इमोशंस आते रहते हैं कंडीशनिंग हो गया उसकी वजह से मैं स्टेबल रिलेशनशिप में आ ही नहीं पा रहा हूँ और अलग अलग रीजन से मैंने उसको निकाल दिया आई मेट दिस गर्ल एंड वी हैड अ फ्यू ड्रिंक्स यूजली उसके बाद मैं हम लोग घर पे गए एंड वी वर स्लीपिंग एंड शी ट्राई टू कम टू मी मुझे एकदम मेरे पास आने की कोशिश की तू मैं एकदम डर गया मैं उसको तू जा इधर से जा इधर से नेक्स्ट आई रिग्रेटेड इट मुझे पता ही नहीं है मैंने ये क्यों किया बट दिस वॉज ऑल्सो नॉट द फर्स्ट टाइम आई डिड दिस ये क्या हो रहा है जब जब किसी ने मुझे टच किया है तब तक मैं एकदम uh, मेरा वो फाइट और फ्लाइट वाला क्राइसिस वाला दिमाग स्टार्ट हो जाता है एंड लॉजिकल दिमाग बंद हो जाता है तो वो एकदम रिएक्ट कर देता है तो ये क्या हो रहा है अभी याद है तो एसोसिएट कर पाओगे याद ही नहीं है इफ़ इट इज़ हार्मिंग मी सोशियो ऑक्यूपेशनली सामाजिक और ऑक्यूपेशनल में hmm. कुछ भी नुकसान कर रहा है तो अगर उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स आई एम फीलिंग एबनॉर्मल सैड एंशियस कुछ भी जेलस फॉर थियोरेटिकली तो मोर देन फिफ्टीन डेज है बट पंद्रह दिन में कोई नहीं जाता है फॉर लॉन्गर दैन आई शुड फील एंड देर इज़ समथिंग कॉल्ड एबसेंस ऑफ मूड रिएक्टिविटी फ़ायदा होने पे खुशी नहीं हो रही है नुकसान होने पे दुख नहीं हो रहा है मूड रिएक्टिव सिचुएशन के हिसाब से मूड जो रिएक्ट करना चाहिए वो नहीं हो रहा है एक पर्टिकुलर जोन में ही रहता है थोड़ा ठीक है चल रहा है थिंग्स लाइक दैट तो जाना चाहिए वो भिंडी की सब्जी अच्छी नहीं लगने की वजह से जो दुख होता है अरे यार मूवी बकवास थी यार उसके लिए दोस्त के पास जाना है या रिजल्ट खराब आया है मूड खराब है यार तो दोस्त के पास जाना है बट रिज़ल्ट खराब आने के बाद अगर आप सुसाइडल हो तो रेकगनाइज करके आपके आसपास के लोगों को रिकग्नाइज कर देना है कि तो डॉक्टर के पास जाए तो फिर पंद्रह बीस दिन की वेट नहीं करना है सिवियारिटी एंड सिमिलरली अगर हार्मफुल टू अदर्स लाइक वो लड़का लड़की के लिए तो हार्मफुल ही था वो खुद yeah. अलग स्टेबल रिलेशनशिप में नहीं आ पाया बट वो जिसको भी क्लोज आता था वो उसको भगा देता था Hmm. तो और तो hmm. के पास जाना है। so tell me, जैसे कोई एक बहुत में और फिर वो ब्रेकअप हो जाता hmm. राइट hmm. अभी तक कोई सिम्टम नहीं आया कि दोनों कुछ खराब होंगे राइट बट hmm. इस टाइम पे ब्रेकअप से ग्रीफ हल्का करने के लिए ब्रेकअप की प्रोसेस ओवर होने के लिए डू यू थिंक डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि फ्रेंड के पास जाना चाहिए ये, Because ये जो ब्रेकअप होता है या लॉस होता है ये आपको पता भी नहीं चलेगा कब डिप्रेशन फ्रेंडली चीज से डिप्रेशन बन गया सो थियोरेटिकली ग्रीफ की वजह से होने वाला दुख तीन से छ महीने तक नॉर्मल माना जाता है ग्रीफ तो छह महीने तक डॉक्टर तीन, तीन से छ महीने अब अगेन सीवियरिटी आ गई इसमें अभी किसी की डेथ हो गई है फैमिली मेंबर की कोविड uh -huh. में आई मैं कोविड का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ बिकॉज पोस्ट कोविड बहुत डॉक्टर्स आए थे कि आई कुड नॉट सेव माई वाइफ आई कुड नॉट सेव माई फादर एंड वो गिल्ट आ गया कि डॉक्टर हो हाँ, नहीं पाया। हाँ, सो गिल्ट या सेल्फ ब्लेम इज नॉट अ हेल्दी ग्रीविंग साइन पर आई टेल यू वॉट आई कि जब आपका ब्रेकअप होता है ना उसके बाद बहुत लोगों का बहुत एंड एक्सट्रीम रिएक्शन होता है कोई होता है कि मैं हाथ काट लूंगा नहीं, नहीं। उसी टाइम तो आपको पता नहीं होता है और अब ये दो तीन दिन के अंदर होता है सर ऐसा कुछ नहीं होता कि ब्रेकअप हो गया काट लिया ऐसे नहीं होता ब्रेकअप होता है आपको लगता है कि लॉस आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो एक दो तीन चार पांच दिन बाद सातवें दिन आप हाथ काट लेते राइट या ब्रेकअप होता है फिर आपको ऐसा लगता है कि मेरी तो लाइफ खत्म हो गई फियर ऑफ अननोन आगे क्या होगा कैसे होगा क्या होगा ये सोच सोच के सोच सोच के आप एक ओवर थिंकिंग लूप में चले जाते हो चार पांच दिन में आपको पता भी नहीं चला देन नाउ इन सो अब इसमें वेट करना चाहिए लोगों को नहीं तो उसमें आ गई सिवियरिटी नहीं तो लेकिन ये पता ही नहीं कब सीवियर हो जाएगा नहीं जैसे ही हाथ काटा वो थॉट भी आया नहीं थॉट क्योंकि जैसे ही ब्रेकअप होता है सबसे पहले थॉट ही आते तीन चार कि मैं या तो यहाँ से दूर चले जाता हूँ हाँ, या मैं हाँ, हाथ काट लेता हूँ या मैं लोगों से बात करना बंद करता हूँ या मैं मैं पचास नए पार्टनर्स बना लूँगा मैं हर किसी के साथ जाके सबको डेट के साथ जाऊँगा वट योर योर रिएक्शन इज ईदर डिनाइल और एक्सट्रीमिटी सब रियक्शन राइट तो इन दोनों रिएक्शन में आपको नहीं बताना कौन सी चीज़ सीवियर हो जाएगी डॉक्टर लायक और कौन सी दोस्त के पास होगी तो दिस पार्ट वो दुख को मैं कैसे हैंडल करता हूँ डिपेंड्स ऑन माय डिफेंस मेकेानिज्म माय मेच्योरिटी एक दो पाँच कोई भी अलग अलग डिफेंस मेकेानिज्म जो भी है उसमें से मेच्योर टाइप के कुछ डिफेंस मेकेानिजम्स है जैसे हमने बात की सबलीमेशन अल्ट्रोइज्म ह्यूमर अरे बताए कट के कट कट गई मेरी यार कट गया मैं समथिंग लाइक दैट अरे यार कितना पढ़ के गया था वो प्रोफेसर ने इसलिए फेल कर दिया ह्यूमर हाँ, ये सारे कुछ डिफेंस मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म से सिवियरिटी अगर इतनी ज़्यादा है कि मैं खुद को या किसी और को नुकसान कर सकता हूँ तो uh, मुझे चले ही जाना चाहिए अब दिस इज़ वॉट माई अपब्रिंगिंग माई चाइल्ड हुड विल डिसाइड कि मैं सिचुएशन को कैसे हैंडल करता हूँ पर ये नहीं पता चलता नहीं। I have seen people जो बिल्कुल नॉर्मल हैप्पी गो लकी कभी मैंने देखा नहीं ना उनसे बात करी एंड आई नो देम फॉर ट्वेंटी इयर्स बचपन से मेरे दोस्त हैं एकदम खास और उनको कभी नहीं देखा किसी सिचुएशन में वो एक्सट्रीमिटी करते हैं लेकिन उनका ब्रेकअप और ना हाथ काट लिया सो so, वो बात अब जो सेल्फ हार्मिंग है ना सुसाइड भी दो तरीके से होता है एक इम्पल्सिव अभी हो गया एक कुछ टाइम बाद जब सिचुएशन में इतना हेल्पलेस फील करने लगे कि अब होपलेसनेस आ गई अब कुछ नहीं हो सकता दिस इज द एंड लोग अटेंशन सीकिंग के लिए भी करते हैं कि यार सामने वाली रुक जाएगी या सामने वाला रुक जाएगा क्योंकि मैं हाथ काटूंगा वो अगेन डिनाइल है मैं रियलिटी एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ हाँ तो इस टाइम पे मैं ये पूछ रहा हूँ कि डॉक्टर क्या किस सिचुएशन में पता होना जी डॉक्टर का जाऊंगी नहीं जाऊ मतलब वही वही सो so, अगर मैं आई एम वन ऑफ दोस पीपल सी दिस डिपेंड्स ऑन द मैच्योरिटी ऑफ द पर्सन द विजडम ऑफ द पर्सन नहीं बना चलता ना वो हाँ, बहुत मेच्योर हाँ, हो सकता हाँ. है और वो एक ट्रिगर के बाद कंप्लीट डिफरेंट पर्सन ग्रीफ काउंसलिंग जो है उसमें मेन चीज बेसिक चीज यही है दैट यू जस्ट लेट योरसेल्फ फील व्हाट यू फीलिंग

एंड एंड दैट इज अ कमेंडेबल थिंग सी इंसान का इमोशनली चार्ज सिचुएशन में कुछ नहीं करना कुछ भी नहीं करना इन इज इन इट सेल्फ एन अचीवमेंट क्या है? Yeah. इतना गुस्सा आया शांत हो yeah. गए इतने खुशी हुई कुछ नहीं yeah. किया इतना दुखी हो गए थे कुछ नहीं किया सो so, अगेन ये प्रिडिक्ट थोड़ा सा उस तरीके yeah. से कर सकते हैं कि बाच आप उस इंसान को पहले से जानते हो mm. बहुत सारे दिस वुड वुड नॉट बी द फर्स्ट नेगेटिव सिचुएशन ऑफ हिज लाइफ तो पहले उसने किस तरीके से रिएक्ट किया है वो फ्यूचर बिहेवियर प्रिडिक्ट कर सकता है थोड़ा mm. सा बट देन वो आसपास के लोगों को पता होगा इफ़ यू नो कि मैं आई एम वन ऑफ दो पीपल मैं नहीं सह पाऊंगा जाओ वेट मत करो पर बट बट वो हाथ काटने वाला बिहेवियर ना ऐसे सडनली वो पहले भी कुछ उसके साइंस oh, होते ही है पहले भी लड़की छोड़ने की कोशिश की थी तो उसने ऐसे इस तरीके से रोकने की कोशिश की थी हाथ कट के वो फोटो भेज दिया था पहले भी ऐसा किया था तो दो तीन बार अगर पहले हो चुका है तो फिर अभी रिस्क मतलब बट इफ़ यू फील दैट यू आर वन ऑफ दोज पीपल जो अपना सो वॉट कैन वी डू एक नॉर्मल इंसान अगर हम हमारे आस देख रहे हैं या मेरे कोई छोटे भाई बहने या मैं दोस्तों को देख रहा हूँ तो मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ या जो ये देख रहा है वो ऐसा क्या कर सकता है कि उसके आसपास से लोग नहीं करें उनके डिफेंस इट कैन बी उनके डिफेंस मेकेजम्स चेंज करना उन आ, इसको कहते हैं इंट्रोजेक्शन कुछ भी हुआ है कैसे मेरा ऊपर थेरेपी थेरेपी बट आई एंड सो एज अ एज अमन बींग एज अ नॉर्मल सिटीजन मैं तो इक्विप्ड नहीं हूँ किसी को थेरेपी देने के लिए हाँ, हाँ. तो फिर मैं प्रिवेंट कैसे करूँ आसपास के लोगों को या मैं उनको ऐसे कैसे कहाँ कि भाई कभी भी ऐसा लाइफ में कभी सोचो तुम तो थेरेपी पे चले जाओ एक भी बार लगे ऐसा एक या एक भी बार किया है किसी ने ऐसा बेच दो वो लोग जाते ही नहीं है पता है वो कभी नहीं जाता मतलब नॉट कभी नहीं बट मेजोरिटी नहीं एंड uh, एक बार इसमें ये करने पर कुछ नहीं हुआ या कुछ पॉजिटिव हुआ तो इंसान इंकरेज होता है वापस करने के लिए वापस अगर आ गई ऐसा करने पर लाइफ का सोल्यूशन तो यही है तो ये डिफेंस मेकानिज़म जो है वो मुझे चेंज करना पड़ेगा एंड उसके लिए कुछ एज तक पेरेंट्स पेरेंट्स से नहीं हो रहा है थेरेपी हेल्प्स हेल्प्स लाइक एनी थी एंड इसके लिए जरूरी है यू नो देसम वेरी क्लोज टू मी अलव वन जिन मैं चाहता था कि वो थेरेपी पे जाएं एंड मैंने बहुत बोला साल भर कोशिश करी जाओ जाओ नहीं है आखिर मैंने क्या किया कि मैंने ऐसे प्लान बनाया उनके साथ छुट्टी चल छुट्टी पे चलते हैं हम लोग छुट्टी पे गए उनके साथ वहाँ पर छुट्टी पे मैं भी एक सेशन में गया और वो भी एक सेशन में जान मैं साथ में उनको थेरेपी में लेके गया कि चलो साथ में रहेंगे एक एक करके टेस्ट है ये अपने को बैठना पड़ेगा साथ में करना पड़ेगा आई मेड इट इन एक्टिविटी एंड देन उनका सेशन हुआ प्रॉपरली एंड देन दे स्टार्टेड लाइकिंग सो मच कि वो कंटिन्यू कर रहे हैं थेरेपी एंड मैं उधर गया था फर्स्ट टाइम मैं देखो मैं तो इसलिए आया हूँ एंड मैं काउंसलर को थेरेपिस्ट को भी यही बोला मैंने कि देखो मैं तो इसलिए आया हूँ That अगर is very sweet of you to that. आपको अगर मेरे साथ थेरेपी करनी है तो कर एक दो एक घंटा तो वैसे ही तो right, right. we so uh, वर्क किया लाइफ में कि अगर किसी को थेरेपी पे लेके जाना है तो उसके साथ कुछ एक्टिविटी बना दो जिसमें तुम भी पार्ट लेते हो तो वो सामने वाले के चांसेस होते हैं कि तुम उन्हें थेरेपी पे ले चाहो नहीं तो नहीं करते बिल्कुल बिल्कुल आई मीन अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से कन्विंस होते हैं थेरेपी में लेने जाने के लिए यू हैव टू डू वट एवर इसन को बोल के उनको साथ में लेके आपको चाहिए ऐसा करके साथ में लेके hmm. तो अलग अलग तरी, तरीके से यार मेरे को चाहिए भाई? मेरे साथ. Hmm. बैठना ना बाहर hmm. उनको आई डिस्कस मी एंड माई ब्रदर ओके दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि hmm. बहुत थी। मैं और मेरा भाई सेम घर में पैदा हुआ hmm. सेम टाइम के एन्वायरमेंट में हुआ है सेम माँ बाप सेम रिश्तेदार सेम ज्वाइंट फैमिली राइट टुगेदर बोथ ऑफ एज लव एवरी वन इन आवर फैमिली दोनों में से एक भी ऐसा नहीं निकला जो एंटी है ठीक है तो सेम टाइप के मैं ट्रेड्स बताता हूँ बिकॉज बचपन से मैंने लड़ाइयाँ देखी ऑन एक्स वाइजी थिंग्स एंड प्यार भी देखा ऑन एक्स वाइजी थिंग्स मुझे एक ऐसा ट्रेट आ गया कि यार मुझे ना इंडिपेंडेंट बनने के लिए पैसा कमाना जरूरी है ठीक है फ्रीडम पैसे से आता है मैं बड़े होके कभी भी नहीं सुनना चाहता हूँ कि मेरे पापा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं या मेरे दादा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं या मेरे बड़े पापा मुझे कंट्रोल कर रहे हैं मैं अपना पैसा खुद कमाना चाहता हूँ ताकि कोई मुझे कंट्रोल नहीं कर पा मैं एक रुपये भी नहीं लेना चाहता मेरे पापा से मैं खुद के पैसे कमाऊँगा भले कुछ भी वो दें या कुछ भी ना दें मुझे फ़र्क नहीं पड़ता वो मेरे लिए जीते जी या डेथ के बाद सौ रुपये छोड़ के जा रहे हैं

इसमें ठीक है देन एट द सेम टाइम जो मेरा भाई है hmm. वो ये फील नहीं करता hmm. मेरे साथ भी ये फील नहीं करता लाइक hmm. like वो और मैं बचपन से हम लोगों ने वी हैव शेयर्ड एवरीथिंग वन गुड थिंग बिटवीन मी एंड माय ब्रदर वी हैव नेवर हमने कभी पार्टीशन नहीं किया एक दूसरे का कि मेरी वॉलेट जो है वो उसका वॉलेट है उसका वॉलेट है जो मेरा वॉलेट hmm. वो हमेशा फील करता है कि जो मेरे पास है अगर मेरे पास पच्चीस हजार रुपए हैं और उसके पास पचास हजार रुपए तो वो काउंट करता है सेवेंटी फाइव है दोनों के पास इट्स नॉट कि तेरे पास क्या मेरे पास क्या राइट right? सो so उसको लगता है कि फ्रीडम पैसे से नहीं आता उसको लगता है फ्रीडम टुगेदरनेस से आता है अगर हम लोग सब साथ में हैं तो मैं फ्रीली सो सकता हूँ और दुनिया में किल कर सकता हूँ अगर हम लोग अलग अलग हैं तो तू भले 500 करोड़ का आदमी और दस हजार करोड़ का आदमी तो भी अपन अलग हैं फ्रीडम नहीं है वी आर वेस्टिंग टू पीपल वेरी सेम अप्रिंगिंग दोनों बिल्कुल अलग सोचते हैं वेर अच्छा इसमें अगेन वन काव्य जो वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स कभी बचपन से आज तक एक दिन नहीं हुआ है जहाँ पे मेरे फादर ने या मदर ने या मेरे ब्रदर ने या मैंने कभी घर में ये बोला है कि यार ये हमारा ये मेरा पैसा है तो आप इससे दूर रहो मेरे पापा ने हमेशा ये बोला है कि यार अगर एक लाख रुपए तो अपन चारों का है अपन चारों ये दस लाख रुपये तो चारों का है नेवर कभी फील भी नहीं कराया हुँ, हुँ, कि पैसे अलग अलग है राइट तो ये सेम फीलिंग मेरे भाई को भी आई मुझे हुँ, भी आई हुँ, तो मुझे लगता है हम सबका पैसा एक है बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि यार उस पूल में ना मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए क्योंकि अगर मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है तो मैं शायद हुँ, मैं फ्रीडम नहीं हूं मैं खुद की नजरों में खड़ा नहीं हो पाऊंगा मैं फ्री नहीं हूँ मैं कंट्रोल करेगा और मैं वो कंट्रोलिंग से बहुत इश्यू है लाइक ट्रॉमा इन मी कि मैं वो कंट्रोल नहीं होना चाहिए बट इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट फॉर माई ब्रदर लाइक हाउ छोटे हैं बड़े छोटा भाई ओके okay, कितने तो जब हाउ कितने कितने छोटे आपसे तीन साल छोटे हैं तो जब दोनों एक सेम इन्वायरमेंट में पैदा हुए हैं दोनों की सोच एक जैसी है कि सबका पैसा एक बराबर है हम लोग कुछ भी अलग नहीं है हम लोग सब साथ में हैं बट स्टिल एक फील करता है कि अगर हम साथ में हैं तो पावर है और एक फील करता है कि साथ में तो होना चाहिए लेकिन इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशन होना चाहिए नहीं तो मेरी वर्थ नहीं होगी एंड दी अदर पार्ट इज कि मैं चाहता नहीं हूँ कि मेरे पापा अर्न करें या मेरा भाई अर्न करे मॉम अर्न करे मैं चाहता हूँ कि मैं अर्न करू और अगर सब अर्न करते हैं ग्रेट नहीं अर्न करते तो भी ग्रेट मैं प्रोवाइडर बन जाऊंगा आई करतेवर बी द प्रोवाइडर आई कैन नेवर बी हु इज जस्ट टेकिंग हाउ सम्मी इन्वायरमेंट में दो अलग अलग बच्चे बन जाते हैं okay. और ऐसे सबके साथ होता है हाँ। सेम एल्कोहलिक्स के साथ भी ये होता है भाई का नाम क्या है हाँ राहुल सो राज को पता चला कि की यूज फीलिंग लो वन डे एंड सडनली किसी ने पैसे दिए या राज ने कहीं से पैसे थोड़े बहुत कमाए एंड उस दिन दोस्तों के बीच में गए या फैमिली के बीच में गए एक अच्छा रिस्पॉन्स मिला वो अच्छा जो रिस्पॉन्स मिला ना वो पॉजिटिव री कहते हैं hmm. वो अनकॉन्शियस माइंड ने रजिस्टर किया हाँ hmm. ये करने पे अच्छा हुआ hmm. एक बार दो बार तीन बार दिमाग को पता चल गया ये करने पे अच्छा होता है सो ये करने पे अच्छा होगा सिमिलरली राहुल का से एक दिन दो दिन पाँच दिन साथ में हुए ही ऑर्ज़ फीलिंग लो ही ऑर्ज़ फीलिंग नॉर्मल कुछ भी साथ में हुए उनको अच्छा लगा साथ में हुए तो उनको अच्छा लगा अब एक रिवॉर्ड एक जगह से जब मिलना स्टार्ट होता है तब दिमाग चिपक जाता है उसके ऊपर उसके बाद वो कहीं और सीख करने की कोशिश नहीं करता कुछ और चेंज करने की कोशिश नहीं करता क्योंकि मेरा हो गया है Hmm. मेरा लूप स्टार्ट हो गया सो so, वो ग्रो उसके ऊपर बढ़ते जाता है बढ़ते जाता दिस इज कॉल्ड बिहेवियरल कंडीशनिंग मेरी आदत है नहाने के बाद ब्रश करने की नहाने के बाद ब्रश करने का हो गया ठीक है उसके बाद मैं फटाफट कर पाता हूँ ठीक है कोई रीजन नहीं है कुछ स्पेसिफिक नहीं है बट कुछ हुआ होगा बाकी सब लोग ब्रश करने के बाद नहाते होंगे बट ये बिहेवियरल कंडीशनिंग हो गया सो so, इस तरीके से जेनेटिक्स एक पार्ट प्ले करता है एक पार्ट अप्रिंगिंग फैमिली प्ले करता है एक पार्ट खुद के एक्सपीरियंसिस प्ले करते हैं किस टाइम पे किस चीज़ पे किसको मज़ा आया या दिमाग ने रजिस्टर किया कि हाँ यहाँ पे उसको सेफ या गुड डोबामिन वाला गुड फील होता है वो वो रिपीट करने की कोशिश करेगा सेम मकानिज़म अप्लाइज सब्सटेंस अपूज में अल्कोहलिज्म में पीने पे मजा आ रहा है पीने पे एक बार मज़ा आया वाप, वापस आएगा वापस आएगा उसको फिर नया कुछ करने की वो कोशिश नहीं करेगा कि بقى लूप चालू हो गया तो यू फील कि जो लाइफ में कभी ना कभी कुछ ऐसा हुआ होगा जहाँ पे मेरे भाई को लगा कि उसको मजा आया और वो ज्यादा कंट्रोल में है सिचुएशन के जब हा, उसके हा, साथ हा. उसके साथ एक लोग थे, थे, थे यस उसके सारे लोग हैं तो वो कंट्रोल में तो इसलिए सब उससे दूर होंगे तो वो अनकंट्रोलेबल फील करेगा एंड दैट फॉर हिम इज अ लूजिंग स्टेट हां सेम राज के था ऐसा हुआ कि जब उसे लगा कि यार जब उसने पैसे कमाए तो वो मोर कंट्रोल में अपनी लाइफ के बारे में और उसे मज़ा आया इसीलिए उसको वो पॉजिटिव री करके उसकी कंडीशनिंग हो गई कि यार ये करते हैं तो कंट्रोल आता है लाइफ में इसकी वजह से मजा आता है सो so, ये जस्ट सेम एनवायरमेंट बट कब कौन से घर वाले ने कैसी तारीफ कर दी उस पर डिपेंड करता है क्या हाँ क्या पॉजिटिव री मिला क्या रिजल्ट कौन से एक्शन का क्या ऐसा रिजल्ट मिला जो मेरे दिमाग को प्रोटेक्टेड सेफ या गुड फील करवाया बिहेवियरल कंडीशनिंग एक प्रॉपर

तो वो मैंने तो मेरा फर्स्ट डॉग जो था अभी आई हैव द डॉग तो फर्स्ट डॉग था तब मैं उस टाइम पे पढ़ा था कहीं पे ये वापस से कि बेल थ्योरी बेल बजाते आते तो वैसे एक बेल तो नहीं है लेट्स ट्राई सीटी करते हैं तो मैंने विसल किया तो वो एक बार नहीं आया दो बार तीन बार किया फिर जब विसल किया और जैसे ही आया तो आई गेव हिम अ ट्रीट फिर ऐसे एक बार दो बार तीन बार किया तो वो जब दस बार पंद्रह बार कर दिया मैंने उसके बाद अब वो पूरे घर में या कहीं बाहर भी हो कितना भी अग्रेस एग्रेशन हो किसी को भी डांट रहा हो किसी को भौक रहा हो चिल्ला रहा हो अगर मैं विसिल करता हूँ तो वो आ जाएगा सेम इज मैं दिख दो कि वो भाग गया बहुत मिस्चीवियस है से, किसी की नहीं सुनेगा दस लोग सीटी बजाएंगे किसी की नहीं सुनेगा बस मेरी सुने सो दैट दैट पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट की उसे उम्मीद है कि सीटी बजती मतलब ट्रीट मिलेगी छोड़ दो सब बिल्कुल ओके okay? दो तीन क्वेश्चंस पूछता हूँ क्विक करते हैं वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम सो क्विकली मेरे को बताना कब साइकोलॉजिस्ट के साथ जाना चाहिए और कब साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए ऐसा कुछ मत रखो कहीं अगर हेल्प चाहिए तो कहीं पे भी जाओ वो प्रॉब्लम होती है मैं बताता हूँ यार मेरे मैंने देखा है एंड आई टेल यू नॉट टू बट है ये मेरे कुछ दोस्त हैं वो साइकेट्रिक के चले गए डे वन पर उन्होंने दवाइयाँ दे दिए एंड विदाउट इवेंट सिटिंग देर पंद्रह मिनट के अंदर वो बाहर आ गया, गया। मैं बता मतलब और किसी ने क्या वर्स्ट थिंग राइट मेरा फ्रेंड है हुँ. वो इज थर्टी थर्टी वन समे है हुँ. और वो बाहर से वापस आया पढ़ के इंडिया में आया तो उसे लगा कि यार यहाँ पे कोई एक्सेप्ट नहीं हो रहा उसे डर लग रहा है उसके घर वाले शादी के लिए उसको फोर्स कर रहे हैं राइट वो साइकेट्रिस्ट के पास चले गया एंड साइकेट्रिस्ट को बोला मेरे को इस बात का बहुत टेंशन और लग गया You know, मतलब मैं गई हूँ मैं क्या करूँगा साइकेट्रिस्ट ने उसे बोला कि अरे ये तो बीमारी है इन सब चीज़ों से दूर रहो तुम ये लो दवाई ये दवाई खाओ तुम्हारा माइंड शांत रहेगा एक बार ट्राई करके देखो लड़की के साथ हो जाएगा ये इंडिया के वन ऑफ द मतलब इंडिया तो नहीं बोल सकता बट उस सिटी के वन ऑफ द टॉप साइकेट्रिस्ट ने बोला हुँ 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 हुँ। I mean, I have, जाते हैं and I was shocked, लग, कैसे तुम टॉप साइकेट्रिस्ट बोल सकते हो खुद को like, like, क्या है? ऐसा होता है। कहीं पे भी जाओ जाना जरूरी है वो जाने के बाद ही पता चलेगा पहले से डर गए कि शायद दवाई देंगे और कहीं नहीं जाओगे नुकसान होगा पेशेंट यू ऑल्सो आर अन बींग यू कैन चूज यू कैन आस्क क्वेश्चन और ये क्यों दिए ये नहीं चाहिए मुझे मुझे ये वाला ट्रीटमेंट करो वो डिस्कस करेंगे अगर वो डिस्कस नहीं करे इसका मतलब आप खुश नहीं हो आप सेटिस्फाइड नहीं हो वहाँ उनकी सर्विस से चेंज द डॉक्टर चेंज द थेरेपिस्ट ट्राई समथिंग एल्स पर ये डर की वजह से कि ये दवाई ही देते हैं ये प्रेजुडाइज बना दोगे और नहीं जाओगे तो जाने पर जितना नुकसान होगा ना उससे काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा इसलिए कहीं पर भी जाओ पैसे वेस्ट होंगे एक थेरेपी सेशन या एक कंसल्टेशन के पर वो पता चलेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए सो आई टेल यू समथिंग किसी का ब्रेकअप हुआ है इट इज़ एन एक्जोजिनियस टाइप ऑफ स्ट्रेस एक्सटर्नल स्ट्रेस पेशेंट सुसाइडल है उसको चाहिए नहीं चाहिए मैं दवाई दूंगा hmm. मैं उसको एडमिशन कर अब अब उस टाइम पे उस डॉक्टर को रियलाइज लगा कि इनको दवाई की ज़रूरत है वर्सेस दवाई की ज़रूरत नहीं है तो दवाई लेने पे शायद उतना नुकसान नहीं होगा या वहाँ पे जाने पे ही इतना नुकसान नहीं होगा जितना कुछ नहीं करने पे नुकसान होगा Fair. इसलिए आई एप्सल्यूटली अंडरस्टैंड द फ्यर की स्केप्टिसिज्म की दवाई देंगे यार दवाई देंगे पर वो जाओ It's वहाँ नहीं जाना हाँ हाँ कुछ करने से बेटर है कुछ गलत करने से भी बेटर इज बेटर देन डूइंग एब्सोल्युटली नथिंग वो क्या करेंगे ये जो है ना वो क्या करेंगे दवाई देंगे ना या वो क्या करेंगे थेरेपी करेंगे ये एक साइन ऑफ होपलेसनेस है कि मुझे आशा ही नहीं है ठीक होने की no. इससे बेटर है मेक दैट एफर्ट गलत करेंगे उनको जाके क्वेश्चन करो यार उनको बोलो भाई नहीं चाहिए दवा वो थोड़ी बंदूक दे के दवाई दे रहे नहीं तो वो लेनी पड़ेगी मत लो ऑटोनॉमी है पेशेंट ऑटोनॉमी है टिसफाइड विद द रिजल्ट थेरेपी ली पांच सेम स्टिल नॉट फीलिंग गुड ट्राई सम वन एल्स डिफरेंट काइंड ऑफ थेरेपी डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट पर इंप्रूवमेंट लाना उस टाइम पे जरूरी है कैसे भी लाओ क्वेश्चन uh, क्या वन वर्ड आंसर देना कि एक्सपीरियंस जिस डॉक्टर को बहुत ज्यादा है तीस साल चालीस साल का सीनियर डॉक्टर उस साइकेट्रिस्ट के जाना चाहिए कि जो नया है उसके पास जाना चाहिए इसका जवाब ये है कि ऐसे डॉक्टर के पास जाओ जो आपके साथ डिस्कस करें कि दोस्त मुझे ये लग रहा है मुझे यार ये, रि ये रिपोर्ट और ये सिम्टम के हिसाब से मलेरिया लग रहा है तो हम लोग ये ऑप्शन है अपने पास एंटी मलेरियल दवाइयाँ ये ये आती है आपके बॉडी वेट के हिसाब से आई थिंक ये दवाई जाएगी और दीज आर द पॉसिबल साइड इफेक्ट्स दैट यू माइट एक्सपीरियंस डिस्कस करे कुछ होते हैं ले लेना ये मुझे पता है ले लेना हाँ <laughs> पाँच दिन बाद मेरे को आके दिखा के जा क्या हुआ है क्यों हुआ है टाइम नहीं होता है बहुत सीनियर हो गए बोर हो गए होते हैं समथिंग लाइक दैट कुछ भी या थक गए होते हैं सुबह से शाम को गए अब पाँच दिन बाद हाँ यू माइट नॉट फील दैट सेटिस्फाइड बट when उनके पास जाओ जो डिस्कस करें ठीक फेयर It was absolutely amazing to have you. I want to talk you, you so more much. about this. वेन कैन वी डू दिस अगेन प्लीज लेट मी नो नेक्स्ट टाइम यूर इन बॉम्बे आ जाओ लेट्स डू इट डेर सो मेनी थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट इट गो बी अमेजिंग पक्का थैंक यू सो मच फॉर कमिंग योर इट वॉज प्ले जो थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए हमें कॉमेंट्स में बताइए कि क्या और बेहतर हम कर सकते हैं ताकि हम आपके लिए इससे भी ज़्यादा वैल्यूबल कॉन्टेंट बना पाएं अल सी यू नेक्स्ट टाइम ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा एंड जाने से पहले डोंट फर्गेट टू सब्सक्राइब अल सी यू नेक्स्ट टाइम अंटिल देन कीप फिगरिंग आउट